हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट रेस्टोरेंट वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट वेबसाइट हम React.js और Material UI की मदद से क्रिएट करेंगे और राउटिंग के लिए हमने इसमें React Router DOM वर्जन 6 जो है यूज़ किया है। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नेविगेशन बार और ये हमने Material UI का जो है ऐप बार कंपोनेंट इसमें यूज़ किया है और ये जो नेविगेशन इस पर एक्टिव की क्लास भी अप्लाई की है। इनकेस अगर हम मेन्यू को स्विच करेंगे जैसे कि मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से जो है कॉन्टैक्ट पेज शो होगा और यहाँ पर एक्टिव की क्लास जो है अप्लाई होगी। इसी तरीके से अबाउट पेज है, फिर मेन्यू है, मेन्यू के अंदर हमारे पास कार्ड है तो इसमें मटेरियल UI कार्ड का हमने यूज़ किया है और रिपल इफेक्ट इसमें कुछ इस तरीके से हमको देखने मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप होम पेज पे देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने सोशल आइकन्स भी ऐड किया है जिस पर थोड़ा सा हमने एनिमेशन जो है ऐड करके रखा है और नीचे जो है फुटर सेक्शन है। काफ़ी बेसिक प्रोजेक्ट है लेकिन इसमें आपको अच्छी खासी मटेरियल UI की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएंगी कैसे रिएक्ट के साथ में आप मटेरियल UI का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये टोटली एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। जैसे कि मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और इसको हम मोबाइल व्यू में ओपन करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से मोबाइल व्यू में हमको ये देखने मिलेगा। मैं साइज़ और छोटा करके आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ से आप डिवाइस स्विच भी कर सकते हैं जैसे कि आईफोन, तो आईफोन में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ पर हमने ड्रॉअर कंपोनेंट का यूज़ किया है इस हैमबर्गर की तरह दिखने वाले नेविगेशन मेन्यू के लिए। इसी तरीके से हम कोई भी मेन्यू में स्विच होंगे तो यहाँ पर वो एक्टिव की क्लास भी अप्लाई रहेंगी। तो सेम जैसे हमारे डेस्कटॉप वर्जन में काम कर रहा है उसी तरीके से हमारे मोबाइल वर्जन में भी चीज़ें काम करेंगी और आप इसको कोई भी डिवाइस में चेक कर सकते हैं, आपको सेम रिजल्ट देखने मिलेगा। तो हमने इसको ऑप्टिमाइज करने की पूरी कोशिश की है और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको जो है होस्ट भी कर देंगे। तो होस्ट हम जो है सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि इनकेस अगर कोई ये ट्यूटोरियल फॉलो नहीं कर रहा है और डायरेक्टली उसको होस्टिंग देखना है तो उसके लिए हम जो है सेपरेट वीडियो में दोनों चीज़ें कवर कर लेंगे। तो यही सब हम इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं और इसका सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा। अगर आप गिटहब पर जाएंगे, सर्च करिए टेक इन्फो YT, गूगल भी करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। और यहाँ से आपको जाना है रिपॉजिटरी में और यहाँ पर लेटेस्ट देखिए रेस्टोरेंट वेबसाइट करके आपको रिपॉजिटरी मिल जाएंगी। इस पर क्लिक करिए और आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। इसके अंदर इमेजेस का भी एक अलग से फोल्डर है SRC के अंदर। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी इमेजेस हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इमेजेस के नाम से एक फोल्डर बना के रखा है तो इन इमेजेस का आप यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी एरर आता है आपको तो इसमें से आप जो है कोड को कंपेयर कर सकते हैं। हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जिसकी वजह से आपका कोड वर्क ना करे तो उसको जो है आप यहाँ पर से कंपेयर कर सकते हैं, अपने कोड को जो है यहाँ पर सोर्स कोड में से कंपेयर करें। उसी तरीके से आप जो है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेक इन्फो YT सर्च कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप टेक्निकल अंडरस्कोर अपडेट भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये सारे लिंक्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्कॉर्ड सर्वर भी मैंने क्रिएट किया है, इनकेस अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप सिंपली जो है चैनल के अबाउट सेक्शन में जा सकते हैं, यहाँ से आपको डायरेक्टली जो है लिंक मिल जाएंगी। देखिए डिस्कॉर्ड, इस पर क्लिक करेंगे डिस्कॉर्ड सर्वर पे जो है रिडायरेक्ट कर लेंगे या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं टेक इन्फो YT ऑफिशियल और लिंक आपको ये इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे डिस्कॉर्ड सर्वर की, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं और दूसरे डेवलपर्स के साथ में जो इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इस वेबसाइट को जो है क्रिएट करेंगे React.js और मटेरियल UI की मदद से। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऑल्सो वीडियो यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले हम React की एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करें, कोई भी एक पाथ पर चले जाएं, जैसे कि मैं H ड्राइव के अंदर हूँ और यहाँ पर मैंने सब फोल्डर्स जो है क्रिएट करके रखे हैं। तो इस पाथ को आपको क्या करना है, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट और मैक यूज़ कर रहे हैं तो आपको टर्मिनल में जाना है, जैसे कि विंडोज़ के लिए शॉर्टकट है। इस पाथ पे आप क्या करेंगे, CMD लिखेंगे तो ये पाथ जो है ऑटोमेटिकली कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रिएक्ट के एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे npx क्रिएट React App और उसके बाद में एप्लीकेशन का नाम, जैसे कि हमारे एप्लीकेशन का नाम है रेस्टोरेंट वेबसाइट, इतना लिख के आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो सारी डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सारी डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड हो जाएंगी। और यहाँ पर अगर आप फोल्डर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो है फोल्डर्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं आप ये रेस्टोरेंट का ऑफिशियल हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर अब जो है React की डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड हो जाएंगी। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। फोल्डर स्ट्रक्चर इसका एक बार बता देता हूँ,
और साथ ही में आईडी के लिए हम क्या करने वाले हैं, विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे। आप चाहें तो कोई भी दूसरा टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड रिकमेंडेड है, जिसमें अच्छा खासा इंटेलिजेंस आपको मिलता है, तो हमारा काम जो है काफी फास्ट हो जाता है। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का, और जैसे ये फिनिश होता है मैं वीडियो को रिज्यूम कर लूंगा। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है क्रिएट हो चुकी है, मैं इसको कट कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर इस फोल्डर को अगर आप ओपन करेंगे तो देखिए बहुत सारे यहाँ पर सब फोल्डर्स और फाइल्स क्रिएट हो गई है। आई होप आपको बेसिक रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर पता होगा, नहीं भी होगा तो मैं आपको इसको आईडी में ओपन करके बता देता हूँ। तो देखिए अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो राइट क्लिक करिए और इसको ओपन विथ कोड करिए, और अगर कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ से उसको ओपन कर लें। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है। सबसे पहले हमारे पास है नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फोल्डर, जिसके अंदर प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी डिपेंडेंसीज होती है, यानी बिहाइंड द सीन हमारे प्रोजेक्ट को काम करने के लिए जितने भी एडिशनल पैकेजेस लगते हैं तो यहाँ पर वो ऐड हो जाते हैं। और इनिशियली इसका साइज काफी ज्यादा होता है, जैसे हम प्रोडक्शन बिल्ड देंगे तब इसका साइज जो है बहुत रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बिल्ड फोल्डर हमको मिलता है हमारा जितना भी कोड रहेगा वो कॉम्प्रेस होकर हमको मिलेगा। उसके बाद में आता है पब्लिक, जिसमें हमारे पास एक मेन फाइल होती है HTML की फाइल, जिसे हम कहते हैं index.html की फाइल, और इसमें एक आईडी बनी होती है देखिए यहाँ पर रूट की। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की मदद से हम जो है HTML का यूज़ करते हैं। आपने JSX तो सुना होगा, तो हम कंप्लीट इसमें JSX का यूज़ करते हैं। इनकेस अगर आप टोटली बिगिनर है तो JSX क्या होता है, HTML की तरह सिंटैक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट HTML को नहीं लिख सकते रिएक्ट में, तो दोनों का कॉम्बिनेशन XML और HTML का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ किया जाता है। बहुत ईजी है, हम जैसे यूज़ करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइटल को चेंज कर देना है, और साथ ही में आप इसको रन करके भी देख सकते हैं। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर टर्मिनल में जाइए, यहाँ से न्यू टर्मिनल, और इस एप्लीकेशन को आप रन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है npm स्टार्ट की कमांड, और इतना लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउजर रहेगा उसमें जो है ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ये लोड हो रहा है, एक बार कंपाइल हो जाएगा तो तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट टाइम लोड होगा तो टाइम लगता है, उसके बाद में यहाँ पर हॉट रिलोडिंग का फंक्शनैलिटी है, यानी कि जब भी आप चेंजेस करेंगे फाइल में और सेव करेंगे तो ऑटो डिटेक्ट होगा और वो ब्राउजर पर इंस्टेंट यानी रियल टाइम में रिफ्लेक्ट होगा। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस देखने मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, टोटली इसको चेंज कर देंगे और फ्रॉम द स्क्रैच हम यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद में अगेन यहाँ पर लोगों की फाइल है, एक मैनिफेस्ट की फाइल है, फिर robots.txt फाइल, तो इनका भी कुछ भी काम नहीं है, सिंपली आप index.html की फाइल पर काम कर सकते हैं। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, सिंपली देखिए मैं आपको बता देता हूँ करके, हम यहाँ पर इस फाइल का नाम चेंज कर देंगे। तो टाइटल आई होप आपको पता होगा, बेसिक HTML में भी आपने इसका यूज़ किया होगा। इसका नाम हम रख देते हैं रेस्टोरेंट वेबसाइट सेव। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया तो नीचे देखिए ये कंपाइल हो गया, और अगर मैं ब्राउजर पर जाऊंगा तो देखिए टाइटल हमारा चेंज हो चुका है। इसी तरीके से हम इस फैब आइकॉन को भी चेंज कर सकते हैं, फिलहाल रहने देते हैं, हमारी वेबसाइट का ऑफिशियली हमारे पास कोई भी अभी आइकन नहीं है। इनकेस अगर आपको ऐड करना है तो आप क्या करें, देखिए यहाँ पर पब्लिक के अंदर fabicon.ico, तो ये फाइल को आपको चेंज कर देना है। तो .ico का आप आइकन ऐड कर सकते हैं या फिर png भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर उसके लिए आपको देखिए लिंक मिल जाएगा, एप्पल टच आइकॉन, फिर यहाँ पर फेव आइकॉन, तो इसमें आपको क्या करना है, उस फाइल का पाथ दे देना है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर हमारे पास मेन फोल्डर होते हैं SRC के अंदर, तो जितना भी हमारे प्रोजेक्ट का सोर्स रहेगा, कंपोनेंट्स रहेंगे, तो इस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे वो सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे। उसके बाद में नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पर गिट इग्नोर, ये गिटहब से रिलेटेड है। उसके बाद में पैकेज लॉग जेसन, पैकेज जेसन की फाइल अगर आप ओपन करेंगे तो ये हमारे एप्लीकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है। इसमें हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड सारा का सारा डेटा रहेगा, यानी कि कौन से वर्जन का रिएक्ट यूज़ हुआ है, या इस प्रोजेक्ट का नाम है, डिपेंडेंसीज और स्क्रिप्ट्स क्या है, लिंटर में क्या यूज़ किया गया है, ब्राउजर लिस्ट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन रहती है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये स्क्रिप्ट है, तो स्क्रिप्ट हम चेंज भी कर सकते हैं। इनिशियली हमने क्या किया था, npm स्टार्ट की मदद से एप्लीकेशन को रन किया था। उसी तरीके से अगर आपको कुछ टेस्ट परफॉर्म करना है तो आपको npm रन टेस्ट करना पड़ेगा, और फिर हम क्या कर सकते हैं, बिल्ड भी दे सकते हैं। तो बिल्ड कब करेंगे, जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब इसको हम बिल्ड देंगे, और कोई ना कोई होस्टिंग सर्वर पर इसको हम होस्ट कर देंगे। तो चलिए ये बेसिक इसका ओवरव्यू हो गया, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर टोटली जो है इसको रीडिजाइन कर लेंगे, यानी कि ये जो डिफॉल्ट इसके साथ में हमको डिज़ाइन मिलता है, ये रिएक्ट का लोगो, उसके बाद में यहाँ पर एडिट के लिए कुछ टेक्स्ट है यानी के, और ये एक लिंक है जो कि हमको रिडायरेक्ट करती है रिएक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे।
तो हम क्या करेंगे, इसको टोटली जो है रीडिज़ाइन कर लेंगे पहले। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ऐप डॉट सी एस एस में से जितना भी सी एस एस का कोड है इसको रिमूव कर लें, इसको कट कर देंगे। उसके बाद में ऐप डॉट जी एस में हम क्या करेंगे, जितना भी डिव है देखिए यहाँ पर इसके अंदर का कंटेंट जो हेडर सेक्शन है उसको टोटली रिमूव कर लेंगे और इस क्लास को भी हम रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पर सिंपली एक एच वन ले लेंगे हम, सिर्फ टेस्ट पर्पज़ के लिए हम यहाँ पर एच वन ऐड कर देंगे। उसके बाद में हमको हमारा कोड भी लिखना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेस्टोरेंट वेबसाइट सेव। और यहाँ पर देखिए लोगों की फाइल को भी रिमूव कर लेंगे हम, और सी एस एस की फाइल भी हमको नहीं चाहिए, इसको भी रिमूव कर देते हैं। इसी तरीके से इंडेक्स डॉट सी एस एस में भी हमारे पास डिफॉल्ट स्टाइलिंग आती है, तो इसको रिमूव कर लेंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, मार्जिन ज़ीरो रहने देंगे, पैडिंग ज़ीरो कर देंगे यहाँ पर, और बॉक्स साइजिंग को हम कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। और इसको बॉडी के बदले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल कर लेंगे, यानी पूरी एप्लीकेशन में हम ये सी एस एस को अप्लाई कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए सिंपली हमारे पास एक हेडिंग है रेस्टोरेंट वेबसाइट करके। अब हम यहाँ पर जो है एक बेसिक सा लेआउट क्रिएट करेंगे, और आप चाहें तो डिपेंडेंसीज को भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सर्वर को थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देंगे। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, तो हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगी। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसीज को जो है डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है npm इंस्टॉलेशन का शॉर्टकट i। उसके बाद में हम रिएक्ट राउटर डॉम को यहाँ पर ऐड कर देंगे, रिएक्ट राउटर डॉम। इसी तरीके से हमको यहाँ पर मटेरियल यूआई का भी यूज़ करना है, तो ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा ही इसमें मटेरियल यूआई का यूज़ करेंगे। तो मैं करता हूँ यहाँ पे सर्च मटेरियल यूआई रिएक्ट, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से हम क्या करेंगे, इसका इंस्टॉलेशन लिंक जो है कॉपी कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, इस पर कॉपी कर लेते हैं। और मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ पहले, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कॉपी कमांड में भी npm इंस्टॉल लिखा हुआ है ना। और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देखिए हम तीन पैकेजेस को जो है इंस्टॉल कर रहे हैं। सबसे पहले जो है मेन मटेरियल यूआई की फाइल है, उसके बाद में इमोशन है। इमोशन क्या है, ये भी एक सीएसएस की लाइब्रेरी है, और जो कि नेक्स्ट जेएस और MUI के साथ में यूज होती है ज़्यादा। उसके बाद में स्टाइल कंपोनेंट है, स्टाइल कंपोनेंट भी क्या है यहाँ पर, ये भी ऑब्जेक्ट बेस्ड जो है स्टाइलिंग लाइब्रेरी है। तो बाई डिफॉल्ट मटेरियल यूआई इन दो लाइब्रेरीज पर डिपेंड करता है। इसके साथ में हमको जो है वापस से हमारा रिएक्ट राउटर डॉम को भी इंस्टॉल करना है। तो इसके बाद में आप क्या करें, यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम को भी इंस्टॉल कर लें, रिएक्ट राउटर डॉम, और इंटर प्रेस कर लेंगे। तो ये जो डिपेंडेंसीज है ना आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएंगी। और यहाँ पर सक्सेसफुली सारे पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, देख सकते हैं आप, रिएक्ट राउटर डॉम, इमोशन रिएक्ट, इमोशन स्टाइल और MUI। और साथ ही में यहाँ पर हमारे पास वल्नरेबिलिटी है, तो इसको फिक्स कर लेते हैं पहले। उसके लिए आपको लिखना है npm audit fix। तो जो वल्नरेबिलिटी है वो फिक्स हो जाएंगी, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है एप्लीकेशन पर। ये सिर्फ जो डिपेंडेंसी हमारी चेंज होती है, यानी कि यहाँ पर जो ये वर्जन आते हैं वो चेंज होते हैं यानी अपडेट होते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर वल्नरेबिलिटी ये डिटेक्ट करके हमको शो करता है कि आप जो है पैकेजेस को जो है लेटेस्ट वाले डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पर हमारी वल्नरेबिलिटी भी जो है फिक्स हो चुकी है। अब इन पैकेजेस को आप जो है पैकेज जेसन फाइल में भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ टॉप पे आप देख सकते हैं डिपेंडेंसी में जो भी हमने एक्स्ट्रा डाउनलोड किया है, जैसे कि इमोशन और MUI और साथ ही में रिएक्ट राउटर डॉम, तो ये सारे पैकेजेस जो है हमारी एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोड हो चुके हैं। अब इनका यूज हम कर सकते हैं इम्पोर्ट करके। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पर बेसिक सेटअप देख लेंगे। बेसिक सेटअप का मतलब क्या है, यहाँ पर हम एक आर्किटेक्चर क्रिएट करेंगे, जैसे SRC के अंदर हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें हम रीयूजेबल कंपोनेंट्स रखेंगे। इसी तरीके से एक पेजेस के नाम से फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे मेन नेविगेशन मेन्यू रहेंगे, हमारे राउट्स जो भी रहेंगे हम इसके अंदर रखेंगे। उसी के साथ में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टाइल के नाम से भी फोल्डर बना सकते हैं। अगर इनकेस अगर आपके पास ज़्यादा स्टाइल्स है तो आप उनको अलग अलग सेपरेट फाइल में यहाँ पर रख सकते हैं। उसी के साथ में अगर आपके पास कुछ डेटा है तो उसको आप यूटिल्स या फिर जो है डेटा के नाम से भी एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास तो अभी फिलहाल नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सिर्फ यहाँ पर मैंने आपको बताने के लिए हमने यहाँ पर ऐड किया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कुछ फाइल्स यानी कि हम यहाँ पर कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। इस कंपोनेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे लेआउट के लिए। आप चाहें तो इसका एक फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं फोल्डर क्रिएट करके बता देता हूँ। लेआउट को हम सेपरेट रखेंगे, तो उसके लिए मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया लेआउट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो न्यू फाइल्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो एक लेआउट की खुद की एक फाइल रहेंगी लेआउट डॉट जे एस,
और JSX भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। JSX दोनों सपोर्ट करता है रिएक्ट। और इसके अंदर एक और फाइल हम क्रिएट कर देंगे, न्यू फाइल, और इसका नाम रखेंगे हेडर, या फिर आप नेविगेशन, नैव बार, जो भी आपको कहना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दो कंपोनेंट्स हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं, सबसे पहले है लेआउट, सेकंड वाला है हेडर। हेडर के अंदर हम नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करेंगे और लेआउट के अंदर हमारे एप्लीकेशन का बेसिक लेआउट रहेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ रैप करेंगे, जो भी हम एडिशनल राउट्स क्रिएट करेंगे पेजेस के अंदर, उनके अंदर हमको सिर्फ इसको इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पर ये फाइल्स तो क्रिएट हो गई, इसको हमको क्या करना है, फंक्शनल कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले एक्सटेंशन में आ जाइए और यहाँ से आप सर्च करें रिएक्ट, या फिर ES7 भी आप सर्च कर सकते हैं। देखिए ES7+React/Redux/React-Native-Snippet, तो आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हमको कुछ फंक्शनैलिटी मिलती है, इसकी वेबसाइट पे आप विजिट करिए, मैं डायरेक्टली इसको जो है यूज करके बता दूंगा। तो हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स मिलते हैं जिसकी मदद से हमको पूरा कोड लिखना नहीं पड़ता। जैसे कि मान लीजिए ये हेडर की फाइल है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट, इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए कंपोनेंट हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर एक H1 की टैग मैं ऐड कर देता हूँ और इसमें लिख लेता हूँ navbar save। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेआउट भी क्रिएट कर लेंगे, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट, और इसके अंदर एक H1 ऐड कर देता हूँ पहले, और इसको हम कर देंगे लेआउट सेव। अब लेआउट को हम क्या करेंगे, सेटअप कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रेगमेंट बना देंगे। सो रिएक्ट फ्रेगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इसके अंदर क्या किया हमने, इसको सिर्फ एम्प्टी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हमने यहाँ पर बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इस हेडर की फाइल को यहाँ पर लेआउट में टॉप पर इंपोर्ट कर देंगे, क्योंकि मेन्यू टॉप पर रहता है, उसके बाद में कंटेंट रहता है और नीचे फुटर रहता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस फाइल को इंपोर्ट कर देंगे। तो टॉप पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है इंपोर्ट हेडर फ्रॉम /header। एक्सटेंशन की आपको जरूरत नहीं है, .js लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इस हेडर को आप जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिंपल क्या करना है आपको, कस्टम HTML एलिमेंट की तरह इसको लिखना है, जैसे कि हेडर सेल्फ क्लोजिंग टैग सेव। तो लेआउट के अंदर इस कंपोनेंट को हमने ऐड कर दिया। अब आप चाहे तो app.js में लेआउट को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट वेबसाइट, और नीचे हम क्या करेंगे, इसी तरीके से लेआउट का यूज करेंगे। लेकिन इसके लिए भी एक शॉर्टकट है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑटो इंपोर्ट का एक प्लगइन आता है, जैसे कि यहाँ पे आप सर्च करेंगे ना एक्सटेंशन के अंदर ऑटो ऑटो इंपोर्ट, तो इस प्लगइन को जो है आप इंस्टॉल करके रखें, ये भी आपकी काफ़ी हेल्प करता है। जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा सिर्फ लेआउट, तो देखिए यहाँ पे सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, तो काफ़ी हमारा इसमें टाइम बचता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लेआउट, सेव कर लेते हैं और फिर से हमारी एप्लीकेशन को एक बार हम रन कर देंगे npm start, तो वापस से हमारी एप्लीकेशन लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर जो है रन हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो है कंपाइल हो चुकी है। अब इसको चेक कर लेंगे, देखिए यहाँ पर बराबर से डिटेल्स आ गई है, ये हमारा हेडिंग है, फिर ये नैव बार है और फिर लेआउट है। तो लेआउट हमको ऐसे यूज नहीं करना, हम क्या करेंगे जो है इसको एज अ कंटेनर यूज करेंगे, रैपर कंटेनर की तरह हमको इसको यूज करना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, लेआउट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और डिव को जो है ऐड कर देंगे, ये डिव रहेगा हमारा कंटेंट के लिए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉप्स का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है चिल्ड्रन, यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इस डिव के बाद में यानी ये जो चाइल्ड एलिमेंट है, जो भी कंपोनेंट को हम रैप करेंगे लेआउट से, तो वो यहाँ पर शो होगा। देखिए मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ कैसे, जैसे कि app.js है, अब हम क्या करेंगे लेआउट को जो है ना ऐसे नहीं लिखेंगे, ये जो H1 है इसको इसके अंदर ले लेंगे, पहले इसको सेल्फ क्लोजिंग से हटा देंगे, इसको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसके अंदर जो भी हम कंटेंट लिखेंगे तो वो शो होगा। देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको इसके अंदर ले लेता हूँ, ठीक है, सेव कर लेते हैं, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए नैव बार और रेस्टोरेंट यहाँ पर टेक्स्ट बराबर से शो हो रहा है। तो ऐसे आप इसका यूज कर सकते हैं। app.js में हम इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो है सारी राउटिंग की फंक्शनैलिटी ऐड कर देंगे, हम इसको पेजेस में यूज करेंगे। तो फिलहाल देखिए वापस चलते हैं लेआउट में, और यहाँ पर हेडर सेक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है, चाइल्ड एलिमेंट भी हमने ऐड कर दिया है, तो इसको हमने डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर किया, वरना हमको प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन कुछ इस तरीके से इसको लिखना पड़ता था। तो डायरेक्टली हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, कुछ पेजेस जो है क्रिएट कर लेंगे और इसको जो है लेआउट से रैप कर लेंगे, और उसके बाद में राउटिंग देखेंगे। सो न्यू फाइल पेजेस के अंदर, और इसके अंदर अबाउट का एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, about.js, इसको भी हम क्या करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, और सभी में एक H1 की हेडिंग हम ऐड कर देंगे फिलहाल के लिए, बाद में इसमें चेंजेस करेंगे। अबाउट पेज सेव।
इसी तरीके से हम होम के लिए भी कर देंगे, सो होम। और हाँ, इसको हमको रैप भी करना है, पहले मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद में हम पेज को जो है क्रिएट करेंगे। अब ये जो डिव है, डिव के बदले हम क्या करेंगे, इसको लेआउट से जो है रैप कर लेंगे। सो आपको लिखना है लेआउट, और सजेशन शो कर रहा है देखिए, इस पर क्लिक करेंगे कंपोनेंट ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा टॉप पर। अगर आपके केस में नहीं होता है तो मैन्युअली आप जो है ये स्टेटमेंट लिखे, इम्पोर्ट लेआउट फ्रॉम एक्स वाई जेड, जो भी जहां पर भी आपने क्रिएट किया है तो वहां से इसको इम्पोर्ट करें। और उसके बीच में हमारा रहेगा कंटेंट, सेव कर लेते हैं इसको। इसी तरीके से हमको होम के लिए करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। होम डॉट जे एस, अगेन एरो फंक्शन, रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट। डिव के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेआउट कर देंगे। पहले एच वन ऐड कर देता हूँ मैं, एच वन होम पेज, डिव के बदले लेआउट, और ये इम्पोर्ट भी हो चुका है, सेव कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और फाइल है कॉन्टैक्ट के लिए, सो कॉन्टैक्ट डॉट जे एस, इसको भी फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, आर एफ सी ई, एच वन इसमें भी ऐड कर देंगे। कॉन्टैक्ट पेज, डिव के बदले लेआउट से इसको भी रैप कर देना है, लेआउट, इसको इंपोर्ट भी कर लें, सेव। एक और पेज हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ये रहेगा हमारा मेन्यू के लिए, सो मेन्यू डॉट जे एस, इसको भी फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, आर एफ सी ई, रिएक्ट आरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट। और यहाँ पर एक एच वन मेन्यू पेज, इसको भी रैप कर देना है लेआउट से, और इसको इम्पोर्ट भी करना है, सेव। तो सारे पेजेस हमारे पास बन चुके हैं, और एक पेज नॉट फाउंड के लिए भी हम क्रिएट कर लेंगे, सो न्यू पेज नॉट फाउंड। तो ये क्या करेगा, अगर कोई हमारा यूआरएल नहीं मिलता है तो इस पेज पे रिडायरेक्ट कर लेगा, सो पेज नॉट फाउंड डॉट जे एस, एरो फंक्शन, हेडिंग इसमें भी ऐड कर देंगे हम, पेज नॉट फाउंड, लेआउट से इसको भी रैप कर लेंगे, लेआउट, इंपोर्ट भी कर लेंगे, और दोनों चीज़ें यहाँ पर हो चुकी है। अब हमको यहाँ पर राउटिंग देखना पड़ेगा, तभी हम जो है इन सारे पेजेस को जो है एक्सेस कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, सारे पेजेस को कट कर देता हूँ, वरना इससे कन्फ्यूजन होगा। सारे फाइल्स को हम कट कर देंगे, और सिर्फ हम क्या करेंगे, ऐप डॉट जे एस पर अभी काम करेंगे। तो इस ऐप डॉट जे एस में हमको क्या करना है, राउटिंग की फंक्शनैलिटी देखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो रिएक्ट राउटर डॉम में से हमको चाहिए सबसे पहले ब्राउजर राउटर, उसके बाद में राउट्स जो कि कंटेनर का काम करता है, और उसके बाद में राउट जिसकी मदद से हम राउट सेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेआउट और सारा का सारा डेटा रिमूव कर लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली ब्राउजर राउटर को HTML एलिमेंट की तरह लिखेंगे, यानी टैग की तरह। ब्राउजर राउटर हमने ऐड कर दिया, इसके अंदर हम जो है राउट्स का कंटेनर क्रिएट करेंगे, राउट, और इसके अंदर हमको जो है राउट ऐड करने हैं, यानी कि इसके अंदर हमको पाथ देना पड़ता है, और कौन सा कंपोनेंट हमको शो कराना है वो हमको यहाँ पे बताना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, राउट लिख लेंगे सबसे पहले, राउट सेल्फ क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि एक पाथ की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप लिखेंगे पाथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लैश लिखेंगे, स्लैश मतलब क्या रहेगा, हमारा रूट डायरेक्टरी, यानी कि होम पेज। अभी ये जो शो कर रहा है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा होम। तो इस पर कौन सा कंपोनेंट आपको शो कराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमेंट का यूज करेंगे, और इस एलिमेंट के अंदर आपको क्या करना है, कंपोनेंट को कॉल करना है। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग में आप उस कंपोनेंट को ऐड करें, जैसे कि हम होम को यहाँ पर शो कराना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर होम स्लैश, और इस फाइल को हमको इम्पोर्ट भी करना है, सो इम्पोर्ट होम फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस, पेजेस के अंदर हमारे पास है होम। इसी तरीके से बाकी भी हमको यहाँ पर क्रिएट करने हैं राउट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे राउट सेल्फ क्लोजिंग टैग, अगेन उसके बाद में रहेगा पाथ। तो पाथ में आपको क्या करना है, सेकेंड वाला हमारे पास है अबाउट के लिए, तो स्लैश अबाउट, और उसके बाद में एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर आपको कंपोनेंट का नाम लिखना है, जैसे कि हमारे पास है अबाउट का कंपोनेंट। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आपके केस में नहीं होता है तो मैन्युअली आप जो है इसको इंपोर्ट करें। इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेज, जितने भी हमारे पास फाइल है उसको हमको टारगेट करना है, अबाउट हो गया। उसके बाद में हमारे पास है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के लिए हमारे पास है कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट, सो यहाँ से अबाउट को कट करके कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के लिए हमारे पास ऑटो सजेशन नहीं आ रहा है, तो जिसके लिए ऑटो सजेशन नहीं आ रहा है तो आप मैन्युअली यहाँ पर इंपोर्ट करें, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश कॉन्टैक्ट। मेन्यू के लिए भी एक क्रिएट कर लेंगे मेन्यू, और यहाँ पर मेन्यू का कंपोनेंट मेन्यू, इसको भी इंपोर्ट कर देंगे, और लेआउट यहाँ से रिमूव कर लेंगे, लेआउट की ज़रूरत नहीं है अपने को।
होम हो गया, अबाउट कॉन्टैक्ट मेन्यू और पेज नॉट फाउंड था ना, तो यहाँ पर पेज नॉट फाउंड के लिए आपको क्या करना है, स्टार को ऐड कर देना है और मेक श्योर इसको लास्ट में लिखें। पहले ये चारों राउट एग्जीक्यूट होंगे, अगर आप इसको टॉप पे दे देंगे तो फिर इसके नीचे जो भी राउट रहेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और इसमें हमारे पास है पेज नॉट फाउंड का कंपोनेंट, देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऐड हो चुका है। सेव कर लेते हैं इसको और इन राउट्स को जो है टेस्ट कर लेंगे। अभी हमने कोई नेविगेशन मेन्यू क्रिएट नहीं किया, तो मैन्युअली हमको जो है यहाँ पर यूआरएल्स को जो है ऐड करना पड़ेगा। चलते हैं ब्राउज़र पर और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पहले, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ अबाउट, तो देखिए अबाउट पेज यहाँ पर सक्सेसफुली आ रहा है। और आप देखेंगे तो नैव बार यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, क्यों? क्योंकि हमने लेआउट में नैव बार को टॉप पे सेट करके रखा है। और उसके बाद में यहाँ पर चाइल्ड एलिमेंट्स शो होंगे जो कि डायनेमिकली चेंज होंगे, क्यों? क्योंकि हम लेआउट से जो है सारे कंपोनेंट्स को रैप कर चुके हैं। इसी तरीके से दूसरे मेन्यू को भी चेक कर लेंगे, अबाउट आ चुका है, मेन्यू कंपोनेंट देख लेंगे, तो देखिए मेन्यू पेज भी आ रहा है और हमारे पास था कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पेज भी आ रहा है। और मैं कोई अदर एक्स वाई जेड कंपोनेंट यहाँ पर शो करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी रैंडम टेक्स्ट यूआरएल में ऐड कर दिया और चेक करूंगा तो देखिए यहाँ पर आ रहा है पेज नॉट फाउंड। तो सक्सेसफुली हमारे पास फॉल बैक राउट भी काम कर रहा है, इनकेस अगर यहाँ पर यूआरएल इनकरेक्ट होता है तो फिर ये पेज नॉट फाउंड पे रिडायरेक्ट करेगा। तो राउटिंग भी हमारी सेटअप हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे, नेविगेशन मेन्यू जो है क्रिएट करेंगे। तो नेविगेशन मेन्यू के लिए हम क्या करेंगे, मटेरियल यूआई में ऐप बार का हमको कंपोनेंट मिलता है, तो मैं एक बार आपको सर्च करके बता देता हूँ ऐप बार, तो इसका हम यूज़ करेंगे और इसकी मदद से रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू हम क्रिएट करेंगे। जैसा कि अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे इसमें रिजल्ट मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से ये नेविगेशन मेन्यू होता है, इसका हम यूज़ करने वाले हैं। और इसका कोड भी आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए शो द सोर्स, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका कोड आपको मिल जाएगा। इनकेस अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कोड कंपेयर कर सकते हैं आप यहाँ से, या फिर अगर आपको मैन्युअली सब कुछ क्रिएट करना है तो इसको आप एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है क्रिएट करेंगे और कुछ भी हमको इसमें ज़रूरत पड़ती है तो वापस आके हम डॉक्यूमेंटेशन इसका देख लेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे हेडर कंपोनेंट में और इस H1 को मैं रिमूव कर लूँगा और टॉप पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट ऐड करके छोड़ दूंगा। तो इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम @MUI/material, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉक्स का यूज़ करेंगे। बॉक्स क्या काम करता है, एक कंटेनर की तरह ये काम करता है, और मेक श्योर इस पर क्लिक करें तो ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा। टॉप पे देख सकते हैं आप यहाँ पर बॉक्स इंपोर्ट हो चुका है। और इस बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, ऐप बार का यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ऐप बार, देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइपोग्राफी की मदद से सबसे पहले जो है एक हेडिंग ऐड कर देंगे, या फिर आप कह सकते हैं लोगो ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई भी टेक्स्ट अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पर टाइपोग्राफी की मदद से वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइपोग्राफी, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को जो है ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माई रेस्टोरेंट, सेव कर लेते हैं और एक बार टेस्ट कर लेंगे ये कैसा दिख रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ऐप बार कंपोनेंट आ चुका है। स्टाइलिंग थोड़ी सी यहाँ पर चेंजेस हो चुके हैं क्योंकि अभी हमको इसको फिक्स करना है, तो चलिए हम क्या करेंगे इसको फिक्स भी करते चलेंगे साथ ही में। तो ऐप बार को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कंपोनेंट दे देंगे। सो यहाँ पर आप इसको कंपोनेंट भी बता सकते हैं, कंपोनेंट के अंदर आप कोई भी टैग को जो है ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपोनेंट, और कंपोनेंट के अंदर मैं लिख लेता हूँ नैप, यहाँ पर इसको नैप की तरह ट्रीट करो, और कुछ स्टाइलिंग भी ऐड कर देंगे। तो SX की मदद से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, कस्टम स्टाइलिंग अगर हमको देना है CSS तो फिर उसके लिए हम SX यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ BG कलर, यानी बैकग्राउंड कलर हमको टारगेट करना है, और उसको मैं कर दूंगा यहाँ पर ब्लैक, सेव, रिफ्रेश। और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर तो अप्लाई नहीं हुआ, आई थिंक ये लोअर केस में कलर है, चेक कर लेते हैं PG कलर, सेव। तो देखिए अब ये बराबर से आ रहा है, और थोड़ा साइजिंग का भी इशू है तो कोई बात नहीं, इसको भी हमको अभी फिक्स करना है। तो साइजिंग को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टूल बार का यूज कर लेंगे। सो यहाँ पे आपको टूल बार लिखना है और इसको इम्पोर्ट भी कर देना है, तो टूल बार, और इसके अंदर इसको रैप कर देंगे, टाइपोग्राफी को कट करके हम इसके अंदर जो है ऐड कर देंगे। और टूल बार ऑटो इम्पोर्ट नहीं हुआ तो आर को कट करके कंट्रोल स्पेस करेंगे तो सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आर है, टूल बार, सेव। अब बराबर हमको जो है नेविगेशन मेन्यू शो करेगा, चेक कर लेते हैं, तो देखिए परफेक्टली अब यहाँ पे आ रहा है। और कंटेंट इसका जो है गायब हो चुका है ना अभी, तो कंटेंट को भी अभी हमको फिक्स करना है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर हमारा लोगो आ चुका है। इसके बदले आप यहाँ पर कोई आइकन भी ऐड कर सकते हैं, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे जो है आइकन को सर्च कर लेंगे, मटेरियल आइकॉन,
तो इस पैकेज को भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपको मटेरियल यूआई के आइकन्स को जो है यूज़ करना है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पर देखिए ये जो पैकेज है ना MUI/icon, तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ से आप कॉपी कर लें, इतनी कमांड को आप कॉपी कर लें, npm install MUI, और आपको जाना है टर्मिनल पर। मैं यहाँ से एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, सो प्लस पर क्लिक करूंगा तो एक और टर्मिनल आ जाएगा, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा और इंस्टॉल कर दूंगा। और इंस्टॉलेशन के बाद आपको जो है पैकेज जेसन फाइल में एक बार चेक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर है क्या हमारे पास आइकॉन्स, बिल्कुल पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं सेकेंड वाले टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस टाइपोग्राफी के अंदर जो है आइकन का यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक बार सर्च कर लेंगे मेन्यू के लिए, सो नीचे स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा, देखिए बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, होटल से रिलेटेड आइकन सर्च कर लेंगे यहाँ पर। होटल से रिलेटेड तो इतने खास नहीं आ रहे हैं, हम क्या करेंगे फूड से रिलेटेड सर्च कर लेंगे फूड। और फूड में देखिए फास्ट फूड है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो कॉपी, और आपको जाना है टॉप पर और इसको जो है इम्पोर्ट कर देना है पेस्ट, और कस्टम HTML एलिमेंट की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फास्ट फूड, सेल्फ क्लोजिंग टैग सेव। तो देखिए आइकन भी हमारा बराबर से आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, बाकी के नेविगेशन मेन्यू भी यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। और मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना कुछ क्लासेस दे देता हूँ ताकि अच्छे से हमको दिखाई दे। तो ये जो टाइपोग्राफी है ना, इसमें हम क्या करेंगे कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली कलर को ऐड कर देता हूँ, कलर गोल्डन ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, चेक कर लेते हैं गोल्डन में और कोई ऑप्शन है कि अपने पास, ब्लैक के साथ में गोल्डन का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, तो गोल्डन रॉड कर देते हैं। और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसका वेरिएंट सेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका वेरिएंट H6 जो है सेट कर देता हूँ, वेरिएंट H6, और इस कंपोनेंट को हम क्या कर देंगे एज अ div जो है ट्रीट करेंगे। सो कंपोनेंट और एज अ div आपको इसमें ऐड कर देना है, और आप इसमें कुछ स्टाइलिंग भी दे सकते हैं। मैं सेव कर लेता हूँ और एक बार चेक करेंगे कैसा दिख रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर स्टाइलिंग भी थोड़ी सी ऐड कर देंगे, सो SX, और इसके अंदर हम क्या करेंगे इसको फ्लेक्स ग्रो कर देंगे। सो फ्लेक्स, क्योंकि हमारे पास इसमें मेन्यू भी रहेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसको 1 कर देंगे। सेव कर लेते हैं इतना और टेस्ट करेंगे कैसा दिख रहा है। सो कोई इम्पैक्ट अभी नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास नेविगेशन लिंक्स नहीं है। जैसे लिंक्स ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा दोनों को जो डिवाइड कर देगा, कैसे देखिए। चलिए हम क्या करेंगे, पहले क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं एक और बॉक्स ऐड कर देंगे। तो इस टाइपोग्राफी के बाद में हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे एक और बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर हमको नेविगेशन मेन्यूज को जो है क्रिएट करना है। तो इसके लिए आप जो है लिस्ट टैग का भी यूज कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल अगर आप ULLI का यूज करते हैं, एंकर टैग का यूज करते हैं, तो आप कर सकते हैं। सो लिंक भी मैं क्या करता हूँ ऊपर इम्पोर्ट करके रखता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम में से, इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। और यहाँ पर हम क्या करेंगे इस बॉक्स के अंदर जो है यूएल टैग का यूज कर लेंगे, और इसके अंदर li, li के अंदर एंकर टैग, एंकर के बदले डायरेक्टली लिंक लिख लेंगे। लिंक फर्स्ट रहेगा होम, इसी तरीके से टू की प्रॉपर्टी भी हमको ऐड करना है, ये रहेगा स्लैश पे, और इसी तरीके से मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट पेस्ट। होम के बाद में रहेगा मेन्यू, फिर रहेगा अबाउट, और इसके बाद में कॉन्टैक्ट, और टू की प्रॉपर्टी में भी हमको ऐड करना है मेन्यू, अबाउट, कॉन्टैक्ट। सेव कर लेते हैं इसको एक बार, चेक करते हैं एक बार, मेन्यूज जो है आ चुके हैं। इसको अभी CSS की मदद से हमको चेंज करना है, और फ्लेक्स जो ग्रो किया था ना हमने, तो उसकी वजह से क्या हुआ, दोनों कंटेंट जो हमारे लेफ्ट और राइट में आ चुके हैं। और इस बॉक्स को भी जो है कुछ क्लासेस दे देंगे। क्लासेस क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कस्टम CSS दे देंगे थोड़ी सी, SX आपको यूज करना है, और इसके बाद में हम क्या करेंगे इसको जो है ना मोबाइल डिवाइस पे जो है हाइड कर देंगे, क्योंकि हमको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी देखना है। तो इनिशियली तो ये विजिबल रहेगा डेस्कटॉप वर्जन पे, और जैसे मोबाइल पे जाएंगे तो इसको नन कर देंगे। सो मोबाइल के लिए हम क्या करेंगे एक्सेस यानी एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस को टारगेट करेंगे, और डायरेक्ट नहीं करेंगे हम, डिस्प्ले की मदद से करेंगे। सो डिस्प्ले का आपको यूज़ करना है, क्योंकि मल्टीपल भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले, फिर इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस, और एक्सेस को टारगेट करेंगे और इसमें यहाँ पर इसको नन कर देंगे। और फिर जब ये मीडियम डिवाइस पे आएगा या फिर स्मॉल डिवाइस पे आएगा, तब इसको हम क्या करेंगे ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक मतलब क्या है कि फिर ये विजिबल रहेगा। सेव कर लेते हैं और एक बार रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी टेस्ट कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ इंस्पेक्ट करता हूँ और इसको श्रिंक कर देता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ इसका साइज कम किया तो ये जो है हाइड हो चुका है परफेक्टली, यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस भी काम कर रहा है। अभी और इसमें चेंजेस करने हैं, लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट तो हमको देखने मिल गया। और इस यूएल को क्या करेंगे क्लास नेम दे देंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे इसको थोड़ा CSS में जो है ना टारगेट कर देंगे क्लास नेम,
और इसका नाम हम रखते हैं नेविगेशन मेन्यू। और इसको हम क्या करेंगे, CSS में जो है टारगेट कर लेंगे और इसकी मदद से थोड़ा सा इसको स्टाइल कर लेंगे ताकि वो प्रॉपर अलाइन रहे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल के अंदर जो है एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम मैं रख देता हूँ हेडर स्टाइल्स डॉट CSS। और इसको इम्पोर्ट कर देंगे सबसे पहले यहाँ पर। सो टॉप पे आपको क्या करना है, इम्पोर्ट कर देना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे इम्पोर्ट डॉट डॉट स्लैश। फिर हमको क्या करना है, स्टाइल्स के फोल्डर में जाना है, उसके अंदर हमारे पास है हेडर की स्टाइल फाइल। सेव कर लेते हैं इसको और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास था नेविगेशन मेन्यू। मैं क्या करता हूँ, क्लास को जो है एज इट इज कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और यहाँ पे डॉट लगा के इसको टारगेट कर लेंगे, क्योंकि क्लास है तो डॉट लगाएंगे, आईडी है तो फिर हैश का यूज करते हैं हम। लिस्ट स्टाइल को जो है ना नन कर देंगे, लिस्ट स्टाइल नन। तो इससे क्या होगा, बुलेट पॉइंट्स जो है शो नहीं होंगे। और इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लैग, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और चेक कर लेते हैं एक बार सेव। तो देखिए ये बराबर प्रॉपर अलाइन हो चुके हैं। इसके अंदर जो है हमारे पास एंकर टैग है, लिंक एक्चुअल में जो है एंकर टैग होता है, तो उसको हम टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले जो है स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ थोड़ा। तो नेविगेशन मेन्यू, उसके अंदर हमारे पास है LI, LI के अंदर थोड़ा सा स्पेसिंग हम ऐड कर देंगे। सो मार्जिन टॉप से 0 रखेंगे, टॉप बॉटम पे हमको मार्जिन नहीं चाहिए, लेफ्ट और राइट साइड में हमको मार्जिन चाहिए। तो 20 पिक्सल में कर देता हूँ सेव। तो देखिए बराबर यहाँ पर मार्जिन भी आ रहा है। ए टैग को टारगेट कर लेंगे, नेविगेशन मेन्यू, LI, LI के अंदर एंकर टैग। और यहाँ पर हमको टेक्स्ट डेकोरेशन को जो है नन कर देना है और इसका कलर भी चेंज कर देंगे हम, कलर वाइट। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और फॉन्ट फैमिली भी हम इसकी चेंज कर सकते हैं, आप जो है रोबोटो फॉन्ट यूज कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट आपने बूटस्ट्रैप के साथ में देखा होगा, मटेरियल यूआई के साथ में भी वही यूज होता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट CSS में जो है बॉडी को टारगेट कर लेंगे, बॉडी। और यहाँ पे हमको क्या करना है, फॉन्ट फैमिली को ऐड कर देना है, फॉन्ट फैमिली। और इसमें हम कर देंगे रोबोटो। और फॉल बैक में हम क्या कर सकते हैं, सेंस सेरिफ ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका फॉन्ट जो है रोबोटो हो चुका है। अब क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी जो है रोबोटो फॉन्ट इंस्टॉल है, आपके केस में नहीं होगा तो आप क्या करें, देखिए आपको क्या करना है, रोबोटो को जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गूगल फॉन्ट पे से भी आप जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल फॉन्ट्स आपको सर्च कर लेना है और यहाँ पर फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएंगी। और यहाँ से आप क्या करें, टॉप पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट्स का, यहाँ से आप क्या करें रोबोटो फॉन्ट को जो है सर्च करें रोबोटो। और यहाँ से आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, रोबोटो का एक्चुअल में फॉन्ट काफ़ी पॉपुलर है। और यहाँ से आप रेगुलर साइज जो है सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर व्यू सेलेक्टेड फैमिलीज पर क्लिक करना है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो इम्पोर्ट स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, इसको देखिए इस तरीके से ऐड कर सकते हैं रोबोटो। हमने तो ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ कर लिया फॉन्ट फैमिली। यहाँ पर नीचे अगर आप स्क्रोल करेंगे वेबसाइट पर तो ऑप्शन आपको शो कर देता है कैसे आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। बेसिक है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर हमारे मेन्यूज जो है सक्सेसफुली आ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, रिस्पॉन्सिवनेस पर काम करना है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन पे थोड़ा सा हमने काम किया है, मेन्यू को इसमें हाइड तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ये जब हाइड हो जाए तब हम एक बटन को जो है यहाँ पर शो कराएंगे, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉअर का यूज कर लेंगे। सो ड्रॉअर आई होप आपको पता होगा, मैं एक बार फिर से जो है ड्रॉअर भी आपको बता देता हूँ इनकेस अगर आपने नहीं देखा हो। तो ड्रॉअर काफी पॉपुलर है, गूगल के सारे आपने एप्लीकेशन देखे होंगे तो उसमें जो है ड्रॉअर कंपोनेंट का यूज किया जाता है। और जो भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन अगर आपने देखी होंगी, जैसे कि देखिए इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, लेफ्ट पर क्लिक करूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर मेन्यूज ओपन होते हैं। तो आप इसका जो पोजिशन सेट कर सकते हैं, राइट पे कर सकते हैं, टॉप पे कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। तो इसका हम यूज करेंगे और इसकी मदद से रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना लेंगे। तो ड्रॉअर के लिए हम क्या करेंगे, अलग से फंक्शन क्रिएट कर लेंगे ड्रॉअर का और स्ट्रीट भी हमको लगेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले शुरू जो है ना एक बटन ऐड कर देता हूँ। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और हेडर सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, आइकॉन के बाद में यानी रेस्टोरेंट से पहले भी हम कर सकते हैं, तो इस टाइपोग्राफी से पहले कर देते हैं और इनिशियली इसको जो है ना हाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइकॉन बटन, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए, कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। और इस आइकॉन बटन के अंदर हम क्या करेंगे, एक आइकॉन ऐड कर देंगे फिर से। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ आइकॉन, ये रहा मटेरियल आइकॉन। और मेन्यू के लिए हमको देखना पड़ेगा, तो यहाँ से हम मेन्यू करके सर्च कर लेते हैं मेन्यू। और मेन्यू से रिलेटेड देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मेन्यू का, एक मेन्यू बुक, यही ठीक लग रहा है, इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी और ऊपर इंपोर्ट कर देंगे। इसके बाद में मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और इस बटन के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। सो मेन्यू, मेन्यू आइकॉन, सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेव कर लेते हैं इसको और चलते हैं एप्लीकेशन पर। और फिलहाल तो ये शो नहीं कर रहा है, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज मैं ऐड कर देता हूँ पहले आइकॉन बटन के ऊपर।
सो यहाँ पे आपको क्या करना है, कलर ऐड कर देना है इसका कलर, और कलर वाइट कर सकते हैं या फिर इनहेरिट भी ले लेता हूँ, यानी पेरेंट क्लास पे जो अप्लाई है उसको हम एज इट इज यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो मैंने यहाँ पर कलर को इनहेरिट कर दिया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका एरिया लेवल ऐड कर देंगे क्योंकि हमको इसको ड्रॉअर पे ओपन कराना है ना। तो यहाँ पे आप एरिया लेवल जो है ऐड कर सकते हैं, एरिया लेबल ओपन और फिर ड्रॉअर का यूज कर लेंगे। सो ड्रॉअर अभी हमको ये क्रिएट करना है, और इसका एज भी हम ऐड कर देंगे। सो एज की भी एक प्रॉपर्टी हमको इसके अंदर मिलती है, तो उसको भी हम टारगेट कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट। स्टार्ट से चाहिए स्मॉल डिवाइस पे जो है ना हाइड कर देंगे, तो उसके लिए आपको जो है अगेन एस एक्स का यूज करना पड़ेगा। एस एक्स मार्जिन दे देता हूँ मैं पहले, मार्जिन राइट से 2 का। उसके बाद में यहाँ पर डिस्प्ले का यूज कर लेंगे, डिस्प्ले स्मॉल डिवाइस पे इसको कर देंगे नन। सेव, चेक करते हैं एक बार, तो सक्सेसफुली हमारा आइकन भी ऐड हो चुका है। ये सिर्फ जो है रिस्पॉन्सिव डिजाइन पर ही शो होंगे, देख सकते हैं आप इसका साइज जो है कम कर रहा हूँ तो ये आइकन शो हो रहा है। अब इसको हमको क्या करना है, स्ट्रीट की मदद से जो हैंडल करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और स्ट्रीट जो है ना क्रिएट कर लूंगा पहले टॉगलर के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले तो यू स्टेट हुक को जो है ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे यू स्टेट, और यहाँ पर उसके लिए एक स्टेट क्रिएट कर लेंगे कॉन्स्ट, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मोबाइल के लिए है तो मोबाइल ओपन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट मोबाइल ओपन इक्वल टू यू स्टेट, और इसको हम बूलियन वैल्यू में रखेंगे। इनिशियली हम इसको फॉल्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ड्रॉअर कंपोनेंट को क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन जो है क्रिएट कर लेता हूँ, ड्रॉअर का फंक्शन हम क्रिएट कर लेंगे और डायरेक्टली उसको रिटर्न करा देंगे। तो यहाँ पर रिटर्न से पहले मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, मेन्यू ड्रॉ, और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्रॉ, और डायरेक्टली हम इसको रिटर्न करा देंगे। पैरेंथेसिस मतलब क्या है कि डायरेक्टली हम इसको रिटर्न करा सकते हैं, और इसके अंदर भी बॉक्स का यूज कर लेंगे बॉक्स, और एक फंक्शन भी हम क्रिएट कर सकते हैं हैंडल के लिए, ठीक है, टॉगलर को हैंडल करने के लिए, यानी कि यहाँ पर क्लिक होना उसको क्लिक को हैंडल करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉमेंट कर देता हूँ हैंडल मेन्यू क्लिक, उसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पर उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं रखता हूँ हैंडल ड्रॉअर यूज कर रहे हैं तो सेम नाम रखता हूँ ड्रॉअर टॉगल, इसको एरो फंक्शन बना लेंगे हम। और इसके अंदर हमको क्या करना है, सिर्फ सेट करना है मोबाइल ओपन को, जिसका रिवर्स कर देंगे, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू मोबाइल ओपन, और इस ड्रॉअर के अंदर हम इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉक्स पर क्लिक हो तो क्या करो, यहाँ पर इसके ऑन क्लिक इवेंट पे हम काम करेंगे, और यहाँ पर बॉक्स के ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, क्योंकि हाइड एंड शो कराना है ना हमको ये बॉक्स, अगर ये ट्रू है तभी हमको इसको शो कराना है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करेंगे रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू को शो कराने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे हैंडल ड्रॉल टॉगल, और यहाँ पर कुछ सी एस एस भी मैं ऐड कर देता हूँ साथ ही में, एस एक्स जो भी टेक्स्ट रहेगा इसके अंदर उसको हम कर देंगे सेंटर में। सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, सेम चीज को जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जो नेविगेशन मेन्यू में अपने पास था ना, तो कहाँ से कर लेते हैं हम, टाइपोग्राफी है और फिर सेकेंड बॉक्स तक है, ओके, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे, और सेम चीज हम क्या करेंगे इस ड्रॉअर के अंदर भी पेस्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों में हमको शो कराना है। अभी अगर आपको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, जैसे हम ड्रॉअर को कॉल करेंगे ना तो ये सारे मेन्यूज जो है ड्रॉअर के अंदर शो होंगे। इसकी क्लास को हम चेंज कर देंगे, जैसे नेविगेशन मेन्यू था ना इसको हम कर देंगे मोबाइल नेविगेशन, इस बॉक्स के अंदर हम चेंज कर देंगे, देखिए एक्सेस पे नन है ना, तो एक्सेस पे हमको चाहिए, या फिर हम क्या करते हैं इसको डायरेक्टली जो है ना यहाँ से रिमूव कर लेंगे, इसकी आई डोंट थिंक हमको ज़रूरत है एक और बॉक्स के एक्स्ट्रा इसमें। सो बॉक्स को मैं रिमूव कर लेता हूँ, इस बॉक्स की हमको जरूरत नहीं है, इसमें सिंगल बॉक्स काफी है, सेव कर लेता हूँ पहले। और यहाँ पर नेविगेशन मेन्यू तो बन चुका है, अभी ड्रॉअर को कॉल करेंगे इसके अंदर सारे मेन्यूज जो है शो होंगे, सब कुछ सही है। हम क्या करेंगे अब नीचे जो है ड्रॉअर को कॉल कर लेंगे, और ऐप बार यहाँ पर हमारा खत्म हो रहा है ना, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे एक और बॉक्स जो है ऐड कर देंगे बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, पहले तो कंपोनेंट दे देंगे हम, इसको बताएंगे भाई ये नेविगेशन मेन्यू है, तो यहाँ पे हम कंपोनेंट ऐड कर देंगे कंपोनेंट, और इसके अंदर नैव हम ऐड कर देंगे, और यहाँ पर हमको ड्रॉअर का यूज करना है। सो ड्रॉअर इसको भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कंट्रोल स्पेस करें, और यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे ऑटो इम्पोर्ट भी हो जाएगा। तो ये हमारा ड्रॉअर बन चुका है, और इस ड्रॉअर के अंदर हम क्या करेंगे, अभी जो ऊपर हमने फंक्शन बनाया है ये रहा ड्रॉअर फंक्शन, तो इसको हमको कॉल कर देना है, कॉल कर देंगे तो ये एज इट इज जो है ड्रॉअर में ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है ड्रॉअर, और इस ड्रॉअर के अंदर आपको कुछ चीज़ें पास करानी है, जैसे कि इसका वेरिएंट आपको पास कराना पड़ता है, तो इसके प्रॉपर्टीज जो है आप चेक कर सकते हैं एम यू आई की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे,
और इसको टेम्पररी कर देंगे हम, और इसके ओपन इवेंट पे हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर स्टेट बनाई है वो यहाँ पर पास करा देंगे। सो मोबाइल ओपन, ऑन क्लोज ऐड कर देंगे। ऑन क्लोज आपको पता होगा, जैसे अगर आप कोई भी आइकन पर क्लिक करेंगे या फिर बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे, तब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर जो हमारा हैंडल है ना, टॉगलर, उसको जो है यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, जो ऊपर फंक्शन हमने बनाया था, हैंडल ड्रॉ टॉगलर। और थोड़ी सी स्पेसिंग भी ऐड कर देंगे, मैं मल्टी लाइन कर देता हूँ उसको SX। और यहाँ पर कुछ स्टाइलिंग ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर हमको करना है डिस्प्ले। डिस्प्ले में हमको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ मोबाइल व्यू में हम इसको शो कराएंगे। सो एक्सेस पे हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे ब्लॉक SM, और उसके बाद में जितने भी डिवाइस रहेंगे तो उस पर हम इसको कर देंगे नन। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे कैसा दिख रहा है। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक पे तो कुछ भी अभी इवेंट काम नहीं कर रहा है। इसके आइकॉन को भी एक बार चेक कर लेंगे, ये रहा इसका आइकॉन। इसके ऑन क्लिक पे जो है हम एक इवेंट फायर कर देंगे, ऑन क्लिक ड्रॉ टॉगल, सेव, और एक बार चेक कर लेंगे फिर से। अब इस टाइम ये काम करना चाहिए, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए ड्रॉअर यहाँ पर ओपन हो रहा है। और ड्रॉअर का साइज भी हमको सेट करना पड़ेगा, आई थिंक इनफ है इतना साइज भी फिलहाल के लिए, तो ड्रॉअर का साइज भी आप सेट कर सकते हैं। और डिस्प्ले के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर विड्थ को जो है टारगेट कर लेंगे। विड्थ हम कर देंगे 200 पिक्सल, इनफ रहेगा आई थिंक, सेव, और चेक कर लेंगे क्लिक करके। तो 200 पिक्सल कुछ इस तरीके से आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसकी जो है एक प्रॉपर्टी होती है MUI ड्रॉअर पेपर करके, उसको जो है टारगेट करके एक बार देख लेंगे। सो उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा लॉजिकल यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस कॉमा के बाद में जो है, इस स्ट्रिंग के बाद में हम क्या करेंगे, कोलन लगा के यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट के अंदर जो है चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे, एन, उसके बाद में इसकी एक क्लास होती है MUI ड्रॉअर, तो मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखें, डैश पेपर। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, बॉक्स साइजिंग को जो है ना ऐड कर सकते हैं। सो बॉक्स साइजिंग इसको कर देंगे हम बॉर्डर बॉक्स, और विड्थ को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो विड्थ 200 या फिर 240 पिक्सल, सेव। मेक श्योर इसकी स्पेलिंग आप सही लिखें, देखिए यहाँ पे एन का यूज है, उसके बाद में यहाँ पर हमने MUI ड्रॉअर डैश पेपर क्लास को जो है टारगेट किया है। चेक कर लेते एक बार, तो देखिए अब ये बराबर से काम कर रहा है। और यहाँ पर जो नेविगेशन मेन्यू है, इस पर भी हमको काम करना है मोबाइल के लिए। उसमें हम क्या करेंगे, एक डिवाइडर ऐड कर देंगे, और इस टाइपोग्राफी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइपोग्राफी से पहले एक डिवाइडर ऐड कर देंगे। सो डिवाइडर, और इसको इम्पोर्ट भी कर लें, सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेव। और देखिए कुछ इस तरीके से जो है डिवाइडर भी ऐड हो चुका है। अब इस मेन्यू को हमको जो है थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस करना पड़ेंगे। सो यहाँ पे हम लिखते हैं मोबाइल के लिए, मोबाइल व्यू कर देते हैं इसको कमेंट। और मोबाइल व्यू के लिए हमने क्या क्लास ऐड की थी, मोबाइल नेविगेशन, तो इसको हमको टारगेट करना है डॉट मोबाइल नेविगेशन, और इसके अंदर हम इसको टारगेट कर लेंगे। सबसे पहले तो लिस्ट स्टाइल टाइप हमको जो है इसका नन कर देना है, और इसके बाद में इसके अंदर भी LI है तो उसको टारगेट करेंगे मोबाइल नेविगेशन LI। मार्जिन दे देना है तो हम क्या करेंगे, मार्जिन दे देंगे सब में, तो टॉप से भी दे सकते हो, सब में सिर्फ टॉप पे ही देंगे क्योंकि साइड से देने का मतलब नहीं है। सेव करके एक बार चेक कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। टॉप आई थिंक इनफ है, फॉन्ट साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एंकर टैग को टारगेट कर लेंगे डॉट मोबाइल नेविगेशन LIA, और यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इसको 1.4 रैम ठीक रहेगा, रिस्पॉन्सिव यूनिट हम यहाँ पर दे रहे हैं, और इसका कलर जो है इसको ब्लैक कर देंगे। तो देखिए अब ये बराबर दिखाई दे रहा है, तो परफेक्टली ये चीज़ें काम कर रही है। वापस से मैं करता हूँ मोबाइल व्यू, या फिर आप जो है इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ से ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए ऑप्शन शो करता है, और यहाँ से आप कोई भी डिवाइस को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आईफोन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो कुछ इस तरीके से आईफोन में दिखाई देगा। और इसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देंगे हम, तो इसके टॉप पे हमको थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, तो टाइपोग्राफी में आप क्या करें, यहाँ पर मार्जिन को ऐड कर दें, जैसे कि कहाँ पर ऐड करेंगे हम, इस SX के अंदर कर देते हैं। यहाँ से मैं इसको टॉप और बॉटम से दे देंगे, आई थिंक टॉप बॉटम से सही रहेगा, तो मार्जिन Y2 करके चेक कर लेते हैं, थोड़ा ठीक ठाक ये लग रहा है। सो यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। कंटेंट एक बार चेक कर लेंगे ना, कंटेंट तो नीचे हाइड हो चुका है अपना, फिक्स करना जरूरी है, तो वो कंटेंट को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और टूल बार यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो टूल बार, तो थोड़ा सा स्पेसिंग यानी पीछे का कॉन्टेंट जो है वो फ्रंट पे आ जाएगा। टूल बार, सेल्फ क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर कुछ भी हमको ऐड नहीं करना, सिंपली प्लेन हम टूल बार यहाँ पर ऐड कर देंगे, और चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए कंटेंट बराबर आ चुका है, और कुछ वार्निंग भी है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसका हमने अभी यूज़ नहीं किया है, ये बिहाइंड द सीन जो है पैकेज का इशू है, तो इसको आप जो है इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए हम राउटिंग भी एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ से मैं अबाउट पर क्लिक करता हूँ तो अबाउट पेज है,
और कांटेक्ट पे कर दे तो कांटेक्ट पेज भी बराबर से शो हो रहा है। आप चाहे तो इसके बीच में भी जो है स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। इसको क्या करें, आप एक और बॉक्स के अंदर जो है ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बॉक्स ऐड कर दिया और यहाँ पर इस टूल बार को इसके अंदर ऐड कर दूंगा। मार्जिन टॉप कर सकते हैं या फिर पैडिंग देखे देख लेते हैं, पैडिंग टू सेव। तो देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से मिलेगा। आई थिंक पैडिंग तो ज्यादा हो जाएंगी, सिर्फ वन करके देख लेते हैं, पैडिंग वन। ओके ओके सर, हमको यहाँ पर स्पेसिंग मिल रहा है। तो और इसको हम कस्टमाइज करेंगे नेक्स्ट में। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो हीरो सेक्शन हम क्रिएट करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर फुटर क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद में हीरो सेक्शन पर काम करेंगे। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पर एक न्यू फाइल हम क्रिएट करेंगे। लेआउट के अंदर आपको क्या करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करना है और इसका नाम आप रख सकते हैं फूटर डॉट जे एस। इसको भी एरो फंक्शन बना लेंगे, RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट। और इसके अंदर एक हेडिंग में ऐड कर देता हूँ फिलहाल के लिए, तो यहाँ पर H1, और इसको फुटर पेज कर देते हैं या फिर कॉम्प, शॉर्टकट कॉम्पोनेंट के लिए। और इसको हमको क्या करना है, लेआउट के अंदर जो है रैप करना पड़ेगा। तो चलिए लेआउट को ओपन करते हैं, और यहाँ पर जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है ना, उसके नीचे हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, यानी कि हेडर और फुटर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे आपको फुटर को ऐड कर देना है सेल्फ क्लोजिंग टैग, और मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करें। देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे फुटर कंपोनेंट भी ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं सेल्फ क्लोजिंग टैग में इसको ऐड कर देता हूँ सेव, और एक बार इसको चेक कर लेंगे कैसा दिख रहा है। तो देखिए होम पेज, और उसके नीचे है हमारे पास फुटर कंपोनेंट। अब हम इसको जो है थोड़ा सा डिजाइन कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं फुटर कंपोनेंट में और इम्पोर्ट स्टेटमेंट ऐड कर देंगे, इम्पोर्ट सेम थिंग फ्रॉम @MUI/material। और यहाँ पर डिव के बदले हम इसको फ्रैगमेंट बना देंगे, सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म, और उसके अंदर बॉक्स का यूज करेंगे। तो डिव के बदले हम बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं, बॉक्स। इसको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। एक्स को कट करके कंट्रोल स्पेस करें और सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर और डबल इम्पोर्ट स्टेटमेंट हो चुका है, तो मैं फर्स्ट वाले को रिमूव कर देता हूँ। और इस बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइपोग्राफी का यूज़ करेंगे और एक हेडिंग जो है ऐड कर देंगे, सो टाइपोग्राफी। और इसके अंदर हम टेक्स्ट जो है ऐड कर देंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑल राइट रिजर्व, और कॉपी का सिंबल ऐड कर देंगे, सो एन कॉपी सेमी कॉलन। तो कॉपी का सिंबल जो है क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे टेक इन्फो YT, और यहाँ पर से एक्स रिमूव हो चुका है, इसको एक्स यहाँ पर दे देंगे सेव। चेक कर लेते हैं एक बार, तो देखिए यहाँ पे बराबर से आ रहा है। इसका वेरिएंट हम चेंज कर देंगे वेरिएंट, और इसको H5 कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा साइज इसका हो जाएगा। सेव करके एक बार देख लेते हैं, H5 या फिर 6 कर देंगे बाद में इसको, अगर ज्यादा इसका साइज होता है तो। H5 ठीक ठाक है। अब इसको सेंटर अलाइन कर देंगे, और पीछे का बैकग्राउंड भी जो है हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम इस बॉक्स को टारगेट कर लेंगे SX, और इसके अंदर जो है टेक्स्ट को अलाइन कर देंगे पहले, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में। इसी तरीके से बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे BG कलर, और इसको जो है ब्लैक कर देंगे, या फिर हम हैक्स कोड यूज कर लेंगे, सो #1A1A19। तो ये भी एक ब्लैक का कलर है और थोड़ा सा लाइट है, ज्यादा डार्क नहीं है। और हम क्या करेंगे, इसके अंदर का जो मेन कलर है यानी टेक्स्ट कलर जो है उसको कर देंगे व्हाइट। टेक्स्ट कलर हमने इसमें व्हाइट कर दिया, और इनिशियली हम इसमें पैडिंग भी ऐड कर देंगे, तो पैडिंग हम 3 की दे देते हैं। चेक कर लेते हैं एक बार सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक ये परफेक्टली सही तरीके से दिखाई दे रहा है, और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी एक बार चेक कर लेंगे इंस्पेक्ट। और यहाँ पर मोबाइल व्यू पे क्लिक कर लेता हूँ मैं, और मोबाइल पे ये थोड़ा सा इशू कर रहा है, इसको टारगेट कर लेंगे। सेपरेट फाइल क्रिएट करना सही नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी के अंदर जो है SX की मदद से जो मीडिया क्यूरी को भी टारगेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है SX, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे मीडिया को @media, और इसके बाद में कितना साइज है वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल, और इसके अंदर आपको क्या करना है, टारगेट करना है फॉन्ट साइज ऐड कर देंगे, फॉन्ट साइज, और 1 RAM ठीक रहेगा आई थिंक सो। चेक कर लेते हैं, 1 RAM यानी 16 पिक्सल होता है 1 RAM का मतलब, और यहाँ पर मैक्स विड्थ रहेगा, सॉरी इसको मिनिमम कर दिया मैंने, तो यहाँ पे हमको करना है मैक्स विड्थ, क्योंकि मैक्स यानी मोबाइल के जो डिवाइसेस होते हैं वो 600 पिक्सल के बिलो होते हैं। चलते हैं वापस, तो देखिए अब बराबर से ही आ रहा है, तो रिस्पॉन्सिव भी हमारा हो चुका है। साइज हम चेंज करके देखेंगे तो बराबर से ये काम करेगा। अब थोड़े से यहाँ पे आइकन्स भी ऐड कर देंगे। तो मैं MUI को फिर से ओपन कर लेता हूँ, मैंने बंद कर दिया था वेबसाइट को। तो वापस से आपको जाना है मटेरियल UI की वेबसाइट पर, और यहाँ से हम क्या करेंगे, आइकन्स को जो है सर्च करेंगे। तो मटेरियल आइकॉन,
और इसके लिए आप कोई भी सोशल आइकन्स यूज कर सकते हैं। और मैं क्या करता हूँ, डिव भी बना देता हूँ, डिव के बदले बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, टाइपोग्राफी से पहले एक और बॉक्स ऐड कर दूंगा, बॉक्स, और इसके अंदर हम आइकॉन्स ऐड कर देंगे। कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं आइकॉन्स, और यहाँ से आइकॉन्स जो है हम सर्च कर लेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे इंस्टाग्राम कॉपी, टॉप पे इसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर इसको आपको पेस्ट कर देना है, और साथ ही में यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा, देखिए कस्टम एचटीएमएल एलिमेंट की तरह आपको इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंस्टाग्राम आइकॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग, और उसके बाद में हम एक और यहाँ से आइकॉन ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पर ट्विटर का ले लेते हैं, ट्विटर ये रहा, इस पर क्लिक कर लेते हैं, कॉपी टॉप पे पेस्ट कर लेंगे और इसको इम्पोर्ट भी कर देंगे। सो इस आइकन के बाद में यानी इसके नीचे हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे, ट्विटर आइकॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, गिटहब का भी ऐड कर देंगे, गिटहब कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर ऐड कर देंगे गिटहब आइकॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग। यूट्यूब का भी एक ऐड कर देता हूँ मैं, सो इसको कट करके यूट्यूब, इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी और टॉप पे पेस्ट कर देना है। इसका भी एक कस्टम एलिमेंट हम बना देंगे, सो यहाँ पे यूट्यूब आइकॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग सेव। तो देखिए यहाँ पे आइकॉन्स जो है सक्सेसफुली आ चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा डिजाइन भी करेंगे, पहले डेस्कटॉप वर्जन देख लेंगे हम। तो डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये SVG है, क्योंकि आइकॉन्स यहाँ पर SVG होते हैं, तो डायरेक्टली तो हम टारगेट नहीं कर पाएंगे। पहले चलिए हम क्या करते हैं, बॉक्स को टारगेट कर लेंगे। सो बॉक्स हमने ऊपर दिया था, तो बॉक्स के अंदर कुछ स्टाइलिंग ऐड कर देंगे, और आइकॉन्स को भी बॉक्स के अंदर ही हम क्या करेंगे, टारगेट कर लेंगे। तो यहाँ पे SX, और इस SX के अंदर आपको क्या करना है, मार्जिन दे देना है। तो हम क्या करेंगे, साइड से मार्जिन दे देंगे, मार्जिन 3 सेव, और यहाँ पर टॉप और बॉटम से हमको थोड़ा सा मार्जिन मिल चुका है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन आइकॉन को जो है टारगेट करेंगे। सो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, क्लास को जो है टारगेट करेंगे SVG की। तो उसके लिए आपको कोटेशन यूज करना है और एंड का सिंबल यूज करना है, और यहाँ पे आइकन का आप यूज कर सकते हैं। तो आइकन मैंने कहा कि वो SVG है, तो डायरेक्टली SVG को हम टारगेट कर लेंगे, और उसके ऑब्जेक्ट के अंदर आपको जो है डिजाइनिंग करना है। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो फॉन्ट साइज है उसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमको अगर इसका साइज चेंज करना है तो SVG को हम फॉन्ट की क्लास से भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट साइज, और यहाँ पर आई थिंक 60 पिक्सल ठीक रहेगा, 60 पिक्सल, और इसमें कर्सर पॉइंटर कर देंगे हम, ताकि हमको हैंड का सिंबल भी मिले। सो कर्सर पॉइंटर, और थोड़ा सा मार्जिन भी मैं ऐड कर देता हूँ, मार्जिन राइट से 2 का कर देते हैं सेव। चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे आइकॉन्स जो है नज़र आ रहे हैं। इसमें एनिमेशन भी आप ऐड कर सकते हैं, तो इसके होवर इफेक्ट पे हम थोड़ा सा एनिमेशन जो है परफॉर्म कर देंगे। तो होवर को भी मैं इसी में टारगेट कर लेता हूँ, कस्टम अलग से CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी में भी हम टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिर से लिखता हूँ एंड, और यहाँ पर हम टारगेट कर रहे हैं SVG को और इसके होवर इवेंट को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे होवर, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप जो है की वैल्यू पेयर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कलर इसका कर देता हूँ मैं, हमारा जो मेन मेन्यू का कलर था गोल्डन रॉड का, तो वो यहाँ पर ऐड कर दूंगा। एनिमेशन ऐड कर देंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म का जो है इस्तेमाल करेंगे। सो ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर ट्रांसलेट कर देंगे, ट्रांसलेट, और एक्स एक्सिस को हम यहाँ पर टारगेट करेंगे, और आई थिंक 50 पिक्सल ठीक रहेगा, या फिर 5 पिक्सल कर देते हैं, ज़्यादा हम इसमें एनिमेशन नहीं देखेंगे। और ये थोड़ा स्मूथ कर देंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन का यूज़ करेंगे, ट्रांजिशन। उसमें हम क्या करेंगे, सब कुछ जो है स्मूथ हमको करना है, इसीलिए हम यहाँ पे डिले सेट कर देंगे 400 ms का, और ईज इन आउट आप अपने हिसाब से ये कर सकते हैं, आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा सेफ। चलते हैं एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर देखिए वर्क कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एनिमेशन भी दिख रहा है, कलर भी इसका बराबर से चेंज हो रहा है। और मोबाइल में एक बार चेक कर लेंगे, इंस्पेक्ट मोबाइल व्यू, और मोबाइल व्यू में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, आई थिंक मोबाइल व्यू में ठीक ठाक है, इसमें कोई भी हमको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमारे मेन हीरो सेक्शन पर काम करेंगे। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और होम पेज को हम ओपन कर लेंगे। सो पेजेस, और इसके अंदर हमारे पास है होम पेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल डिव की मदद से हम क्या करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास क्रिएट करना है। तो डिव के लिए हम क्या करेंगे, एक होम की क्लास ऐड कर देंगे, और इसको हम नॉर्मल CSS में टारगेट करेंगे। आप चाहें तो बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक इस फाइल में एग्जाम्पल हम नॉर्मल डिव का देख लेंगे, जिससे हम ज्यादा फेमिलियर हैं। इसके अंदर एक टेक्स्ट ऐड कर देंगे, और एक पैराग्राफ और एक बटन हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक और हेडर के नाम से जो है
डिव क्रिएट कर लेता हूँ, हेडर कंटेंट या फिर कंटेनर कर लेते हैं, हेडर कंटेनर। इसके अंदर एक H1 मैं ऐड कर देता हूँ और इसके अंदर कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, जो भी वेबसाइट है उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ फूड वेबसाइट। और उसके बाद में एक पैराग्राफ भी ऐड कर देंगे, सो पी टैग, और इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि बेस्ट फूड इन इंडिया। और इसके बाद में नॉर्मल बटन, और इस बटन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऑर्डर नाउ। तो ये क्या करेंगे, एक्चुअल में हम इसको क्या करेंगे, लिंक से जो है रैप कर लेंगे, ताकि इसको हम हमारे मेन्यू वाले पेज पे जो है इंपोर्ट करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लिंक कंपोनेंट को इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इस बटन को क्या करेंगे, लिंक से रैप कर लेंगे। सो लिंक कंपोनेंट, और इसको कट करके नीचे पेस्ट कर देंगे और बटन को इसके अंदर रख लेंगे, और इसको क्या करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे हम मेन्यू वाले पेज पे। सो टू के अंदर आपको मेन्यू को ऐड कर देना है, और इस बटन को भी आप क्लास दे सकते हैं या फिर डायरेक्टली एक ही बटन है तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं। पहले सेव कर लेंगे और चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये हमारा कंटेंट दिख रहा है, और एक बैकग्राउंड में हम क्या करने वाले, इमेज को जो है ऐड करेंगे। सो इमेज के लिए क्या करेंगे, देखिए मेरे पास ऑलरेडी SRC के अंदर मैंने इमेजेस के नाम से एक फोल्डर बनाया है, और इसके अंदर हमारे पास सारे इमेजेस है। तो इसमें से मैं क्या करूंगा, इस बैनर इमेज को जो है यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे उसका इम्पोर्ट स्टेटमेंट हम ऐड कर देंगे, इम्पोर्ट, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं बैनर रख देता हूँ, बैनर फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश इमेजेस, इमेज का नाम है बैनर जेपैड। इसको हमको क्या करना है, हमारे मेन डिव को जो है हम इससे रैप कर लेंगे। सो यहाँ पर ये जो मेन है इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टाइल दे देंगे स्टाइल, और इसमें बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पर बैकटिक, बैकटिक के अंदर आपको लिखना है URL, और फिर पैरेंथिसिस, और उसके अंदर डॉलर कर्ली ब्रेसिस, और जो वेरिएबल हमने ऊपर बनाया है बैनर के नाम से उसको यहाँ पर पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं एक बार। तो देखिए बैकग्राउंड में जो है हमारे पास इमेज आ चुकी है, और टॉप से थोड़ी स्पेसिंग भी आ रही है ना, तो इसको पहले रिमूव कर लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हेडर कंपोनेंट में जाना है, और हमने यहाँ पर नीचे पैडिंग ऐड की थी आपको याद होगा, तो इस पैडिंग को मैं रिमूव कर लेता हूँ। सेव, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये जो है एग्जैक्ट बॉडी टू बॉडी फिट होके हमको मिलेगा। अब हमको इसकी साइज जो है सेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, CSS में इसको टारगेट कर लेंगे, और इस स्टाइल के अंदर देखिए हमारे पास एक फाइल है होम स्टाइल डॉट CSS की, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको टारगेट करेंगे। तो पहले शुरू हम क्या करेंगे, होम को टारगेट करेंगे, क्योंकि ये हमारा मेन कंटेनर है। इसमें हम हाइट सेट कर देंगे, इसकी हाइट आई थिंक 90% कर लेते हैं, 90 VH यानी व्यू पोर्ट हाइट। डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, और यहाँ पर जस्टिफाई कर देंगे कॉन्टेंट को सेंटर में, और जो इसके अंदर आइटम्स हैं उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट में शो कराएंगे, क्योंकि राइट में हमारे पास इमेज रहेंगे और लेफ्ट में हम कंटेंट को शो कराएंगे। सो उसके लिए लिखेंगे अलाइन आइटम्स लेफ्ट, सेव कर लेते हैं इसको और एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए बराबर है सब कुछ, लेफ्ट में हमारा कंटेंट है, हाइट जो है अप्लाई नहीं हुई ना, एक बार चेक कर लेते हैं। और इसको हमने इम्पोर्ट नहीं किया ना, इम्पोर्ट करना पड़ेगा पहले। सो इम्पोर्ट डॉट डॉट स्लैश स्टाइल्स होम स्टाइल डॉट CSS, सेव। तो देखिए यहाँ पर परफेक्टली हमारे पास साइज आ चुका है, लेकिन जो कंटेंट है ना वो बराबर से अलाइन नहीं हुआ है, तो इसको भी फिक्स कर लेंगे हम। चलते हैं वापस CSS में, और अलाइन आइटम्स हमने लेफ्ट किया था, फ्लेक्स डायरेक्शन हम सेट कर देंगे यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन, और इसको कॉलम कर देंगे, और बैकग्राउंड पोजीशन को हम क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे, बैकग्राउंड पोजीशन इसको कर देंगे सेंटर, और नो रिपीट इसमें सेट कर देंगे, बैकग्राउंड रिपीट में बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, और बैकग्राउंड का साइज जो है कवर कर देंगे। सो आप चाहे तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लॉन्ग यूज कर रहा हूँ, और चेक करते हैं एक बार। तो देखिए अब बराबर से ये शो कर रहा है, कंटेंट हमारा बराबर से जो है लेफ्ट अलाइन भी है, और इसमें और हमको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेडर कंटेनर को टारगेट कर सकते हैं। सो हेडर, और हमने हेडर ही दिया था, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये वाले कंटेनर को हम टारगेट करेंगे, और इसकी विड्थ जो है ना ऑटो कर लेंगे, मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे हम 30 पिक्सल कर देंगे, मार्जिन लेफ्ट से 30 पिक्सल, तो थोड़ा हमको मार्जिन भी मिलेगा लेफ्ट से। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर मार्जिन भी मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर H1 को जो है टारगेट कर लेंगे, और इसका फॉन्ट और थोड़ा सा साइज भी हम इसका चेंज कर लेंगे। सो होम को टारगेट करना है, और उसके अंदर हमारे पास हेडर कंटेनर, उसके अंदर हमारे पास H1, और जस्टिफाई कर देंगे कंटेंट को सेंटर में, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और फॉन्ट वेट को जो है हम बोल्ड कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे फॉन्ट साइज भी ऐड कर देता हूँ मैं, 70 पिक्सल आई थिंक ठीक रहेगा, चेक कर लेते हैं एक बार, 70 पिक्सल सेव, और 70 पिक्सल ठीक ठाक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और इसके अंदर हम फॉन्ट फैमिली भी ऐड कर सकते हैं, तो कोई दूसरा फॉन्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन शो कर रहे हैं ना, इसमें से ही कोई कर लेते हैं, जैसे कि गिल सैंस, और
कलर जो रहेगा वो रहेगा ब्लैक सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट का टाइटल दिखाई दे रहा है। तो आप कोई भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपना टाइटल, और नीचे देखिए यहाँ पर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है थोड़ा सा, तो इसको भी हम चेंज कर देंगे। तो पैराग्राफ को हमको टारगेट करना है, होम है, होम के बाद में हमारे पास हेडर कंटेनर है और पैराग्राफ है, इसको अभी हम टारगेट करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर, मार्जिन टॉप से दे देंगे हम इसमें पहले 15 पिक्सल, और यहाँ पर पैडिंग 0 कर लेंगे। फॉन्ट साइज हमको ऐड करना है, तो फॉन्ट साइज आई थिंक ऊपर हमने 70 किया है तो इसको थोड़ा स्मॉल रखेंगे, तो 40 पिक्सल ठीक रहेगा। और फॉन्ट वेट ऊपर बोल्ड है तो इसको थोड़ा सा लाइट कर लेंगे हम, सो फॉन्ट वेट लाइटर, और इसमें भी कलर इसका ब्लैक कर देंगे, कलर ब्लैक। सेव करते हैं एक बार, चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, और इस बटन पे भी काम करना है, सो बटन को भी हमको टारगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अगेन क्या करता हूँ, होम को टारगेट करता हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट हेडर कंटेनर को भी टारगेट कर सकते हैं, और बटन को डायरेक्टली हम टारगेट करेंगे, उसके लिए हमने कोई भी क्लास जो है ऐड नहीं की थी, तो डायरेक्ट हम उसको टारगेट कर सकते हैं। कलर बटन का भी हम क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे, और इसको भी मार्जिन दे देंगे ऊपर से 20 पिक्सल ठीक रहेगा। और बॉर्डर इसका जो है बटन का उसको नन कर देंगे, सो बॉर्डर नन, और थोड़ा सा इसको राउंड कर देंगे, तो बॉर्डर रेडियस आपको ऐड करना है, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल ठीक रहेगा, ज़्यादा भी हमको जो है इसको राउंड नहीं करना है। और कर्सर जो रहेगा उसको कर देंगे पॉइंटर, सेव, चेक करते हैं एक बार। और बटन पे तो ये अप्लाई नहीं हुआ, मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसकी हाइट और विड्थ भी चेंज कर लेता हूँ, तो फिर थोड़ा सा इफेक्ट हमको देखने मिल सकता है। हाइट इसकी 50 पिक्सल कर लेते हैं, और इसकी विड्थ 180 पिक्सल ठीक रहेगा, 180 पिक्सल। और टेक्स्ट डेकोरेशन हम इसमें नन कर देंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, क्योंकि लिंक भी था ना तो हो सकता है उससे इशू करे। और इसके अंदर का जो कलर है उसको व्हाइट कर देंगे, और फॉन्ट साइज को भी थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, इसको कर देते हैं 20 पिक्सल, सेव। तो देखिए आप बराबर से ये शो कर रहा है, और इसका कलर चेंज नहीं हुआ, बैकग्राउंड कलर एक बार देख लेते हैं। ओके, इसका कलर हमने ब्लैक कर दिया ना डायरेक्ट, तो यहाँ पर हम इसका बैकग्राउंड कलर ऐड कर देंगे ब्लैक, सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा, ये रहा टाइटल, फिर सब टाइटल, और यहाँ पर ऑर्डर बटन पे होवर भी ऐड कर देंगे हम। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन इसको टारगेट करना है, हेडर कंटेनर बटन है, बटन के होवर इवेंट पे, तो सुडो सेलेक्टर हम यूज करेंगे। और यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, सो यहाँ पे आपको करना है बैकग्राउंड कलर, और इसमें हम क्या करेंगे, हेक्स वैल्यू ऐड करेंगे 07090A, ये कलर आपको ऐड कर देना, तो काइंड ऑफ ब्लैक कलर ही है ये, कर्सर इसमें भी पॉइंटर ही रहेगा। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर ट्रांजिशन ऐड कर देंगे, ताकि थोड़ा सा अच्छे से हमको होवर का एनिमेशन दिखे, सो 0.3 सेकेंड, और ईज इन कर देंगे इसको, सेव, चेक करते हैं एक बार कैसा दिखता है, होवर करते हैं तो देखिए नॉर्मल, काफी ज्यादा नॉर्मल एनिमेशन है। मैं बटन का कलर भी चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, और इसको क्या करेंगे हम, लाइट कर देंगे, तो हेक्स कलर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, #121619, सेव। तो देखिए अब कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट दिखाई देगा, आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी कलर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और आई थिंक हमारा कॉन्टेंट सेक्शन तो बन चुका है, और एक बार रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर लेंगे, इंस्पेक्ट और मोबाइल व्यू, और मोबाइल में तो ये बराबर से दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम फिक्स कर सकते हैं मीडिया क्वेरी की मदद से। तो नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कमेंट ऐड कर देता हूँ पहले, मोबाइल व्यू @media ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विथ को हम टारगेट कर लेंगे, मैक्स विथ ऑफ 600 पिक्सल, क्योंकि मोस्टली 600 पिक्सल का ही होता है मोबाइल डिवाइस। और इसके अंदर होम को टारगेट कर लेंगे पहले, होम, होम में हम क्या करेंगे, कॉन्टेंट को सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, और उसके बाद में कंटेनर को टारगेट करना है, एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो देखिए सब कुछ यहाँ पर सेंटर अलाइन हो जाएगा, और काफ़ी बड़ा बड़ा साइज है तो इसको भी हमको फिक्स करना पड़ेगा। तो हेडर कंटेनर मार्जिन लेफ्ट हम 0 कर देंगे, मार्जिन लेफ्ट 0, बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस ऑफ 10 पिक्सल, थोड़ा सा राउंडेड हम क्या करेंगे इसके अंदर जो है ना, एक थोड़ा सा बॉक्स बना के देख लेंगे, इसकी विड्थ हम कर देंगे 80%, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे इसकी कॉलम, तो एक के नीचे एक ये शो करेगा। और इसमें बैकग्राउंड कलर मैं ऐड कर देता हूँ, और इसमें हेक्स कलर यूज करूंगा, #121619, और नॉर्मल कलर जो है उसको कर देंगे व्हाइट, सेव, चेक करते हैं इसको एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसका फॉन्ट साइज भी छोटा करके देखेंगे तभी आपको जो अच्छे से समझ में आएगा। अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ताकि पूरा हमको डिवाइस दिखे। और H1 को टारगेट कर लेंगे हम, हेडर कंटेनर H1, इसके अंदर फॉन्ट साइज को 40 पिक्सल कर लेता हूँ मैं, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, हाइट इसकी कर देंगे 30, और ये हाइट है, मार्जिन में
टॉप बॉटम से 15 पिक्सल ऐड कर देता हूँ और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल, और इसका कलर कर देंगे हम वाइट। सेव, चेक करते हैं एक बार, और यहाँ पर ये तो अप्लाई नहीं हुआ, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। और यहाँ पर एंड चिपक कर है ना, तो इसके बाद में आपको स्पेस देना है, तभी जो है हमारा मीडिया क्यूरी जो है काम करेगा। सेव कर लेते हैं, चलते हैं वापस। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से हमने इसमें बॉक्स को जो है ऐड करके रखा है। और H1 को हमको कलर करना था तो ये अप्लाई नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं क्यों। हेडर कंटेनर है, फॉन्ट साइज 40, कलर H1 को तो अप्लाई होना चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है होम को भी टारगेट कर लेंगे, डॉट होम, फिर हेडर कंटेनर, चेक करते हैं। तो देखिए अब बराबर से हो रहा है। और यहाँ पर इस पैराग्राफ को भी टारगेट कर लेंगे, नीचे आना है आपको, और यहाँ पर हम लिखेंगे होम, फिर उसके अंदर हमारे पास है हेडर कंटेनर, फिर पैराग्राफ। और पैराग्राफ को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और साइज कम कर देंगे इसके फॉन्ट का, 30 पिक्सल कर लेंगे, और इसका भी कलर जो है वाइट कर लेंगे। सेव, तो देखिए बराबर शो कर रहा है। बटन को भी थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, हेडर कंटेनर, इसके अंदर है बटन, और बटन को हमको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर दे देना है पहले, और इसको हम कर देंगे व्हाइट कलर बैकग्राउंड में। और इसका जो फोर कलर है उसको हम कर देंगे #121619, जो कि हमने ऊपर दिया था, और मार्जिन दे देंगे बॉटम से 30 पिक्सल, ठीक रहेगा, ज़्यादा होगा तो उसको चेंज कर देंगे हम। सेव, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है और ठीक ठाक लग रहा है। इसका डिवाइस चेंज कर लेते हैं हम, यहाँ से आईफोन हमने किया तो आईफोन पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। गैलेक्सी यानी एंड्रॉयड के लिए कुछ इस तरीके से जो है हमारा होम पेज जो है दिखाई देगा, तो ठीक ठाक लग रहा है। ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो देखिए मेन्यू पेज पे हमको रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक ठाक ये लग रहा है। और आप चाहें तो और पैडिंग इसके अंदर दे सकते हैं, जैसे कि हेडिंग जो है रिस्पॉन्सिवनेस में ना, तो इस पर हम क्या करेंगे, मार्जिन दे देंगे टॉप से 20 पिक्सल, चेक करते हैं, और टॉप से तो अप्लाई नहीं हुआ। हम हेडर कंटेनर के अंदर देख लेते हैं एक बार, इसकी विड्थ जो है 90 कर लेते हैं पहले, तो कुछ इस तरीके से जो है और ज़्यादा विड्थ ले लेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मार्जिन जो है ना 30 कर देंगे, टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल, तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है और ठीक ठाक लग रहा है। आप चाहे तो अपने हिसाब से भी रिस्पॉन्सिव डिजाइन पर काम कर सकते हैं। हीरो सेक्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अबाउट पेज पर काम करेंगे, उसके बाद में मेन मेन्यू पर हमको काम करना है। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और अबाउट पेज में आपको जाना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है एक बॉक्स को ऐड कर देंगे, बॉक्स कंटेनर की तरह काम करेगा, और इसके अंदर हम हमारा कॉन्टेंट ऐड कर देंगे, और इस बॉक्स को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो एक्स को कट करके कंट्रोल स्पेस करें, सजेशन आपको शो करेगा, देखिए इंपोर्ट फ्रॉम MUI/material, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स रिमूव हो गया। तो यहाँ पर हमारा बॉक्स कंटेनर तैयार है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक हेडिंग ऐड कर देंगे, तो इसके लिए हम टाइपोग्राफी का यूज कर लेंगे, सजेशन में से जो है इस पर क्लिक करूंगा, ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को ऐड कर देंगे, जैसे कि वेलकम टू माई रेस्टोरेंट, और यहाँ पर कुछ पैराग्राफ भी हम ऐड कर देंगे, और इसके बाद में कंटेंट को आपको ऐड कर देना है, तो उसके लिए हम पैराग्राफ टैग यूज़ कर लेंगे, पी टैग, और इसके अंदर लॉरेम इप्सम का यूज़ करेंगे। सो आपको लिखना है लॉरेम 100, लिख के आप क्या करें, टैब प्रेस करें तो कुछ डमी टेक्स्ट जो है जनरेट हो जाएगा, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से जो है जनरेट हो जाता है। और यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, एक BR टैग ले लेंगे हम लाइन ब्रेक के लिए, और अगेन हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ टैग यहाँ पर ले लेंगे, और इसके अंदर अगेन आपको लिखना है लॉरेम 100, तो डमी टेक्स्ट यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। सेव, और एक बार चेक कर लेते हैं हमारा अबाउट पेज कैसे दिख रहा है। यहाँ से आपको क्लिक करना है अबाउट पर, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा अबाउट सेक्शन दिखाई दे रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है कस्टमाइज कर लेंगे। पहले शुरू में क्या करता हूँ, इसको जो है हेडिंग बना देता हूँ, ये जो टाइपोग्राफी हमने ऐड किया टॉप पे, हेडिंग में कन्वर्ट कर देंगे। सो टाइपोग्राफी को आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरिएंट में जो है ऐड करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे वेरिएंट की प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हम इसको H4 बना देंगे। सेव, चेक करते हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, बॉक्स को थोड़ा सा स्टाइल कर देंगे, तो बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर SX लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पर कस्टम स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो SX, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम मार्जिन को ऐड कर देंगे टॉप और बॉटम से, तो उसके लिए हम MY लिख लेंगे, और यहाँ से 5 का दे देंगे। अब ये जो 5 है यहाँ पर, ये MUI की प्रॉपर्टी है, ठीक है, सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। आप चाहे तो पिक्सल में भी लिख सकते हैं, तो 5 पे कुछ इस तरीके से लिया, आई थिंक हम इसको और बड़ा कर देंगे, इसको मैं 15 कर देता हूँ, 15, टॉप और बॉटम से हमको मार्जिन मिलेगा 15 का, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। और टेक्स्ट को भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को टारगेट कर लेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव, तो सब कुछ जो है सेंटर में नजर आएगा कुछ इस तरीके से। और इसमें जो H4 है उसको भी टारगेट कर लेंगे, और उसको और बोल्ड कर देंगे हम यहाँ पर, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, कोटेशन ऐड कर देना है, और उसके बाद में अगेन एक न्यू ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, एंड
एंड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर के एलिमेंट को जो है टारगेट कर सकते हैं। तो एच फोर को मैं यहाँ पर टारगेट कर लूंगा, एच फोर, एच फोर ही दिया है ना अपन ने, देखिए यहाँ पे वेरियंट जो है एच फोर है, तो इसको हम यहाँ पर टारगेट करेंगे और इसके अंदर फॉन्ट वेट कर देंगे इसको बोल्ड। सो फॉन्ट वेट आपको यहाँ पर ऐड करना है, इसको हम कर देंगे बोल्ड, सेव। तो ये कुछ इस तरीके से बोल्ड दिखाई देगा, ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि हेडिंग ऑलरेडी जो है बाय डिफॉल्ट बोल्ड होती है। और पैराग्राफ को हम टारगेट कर लेंगे इसके बाद में। सो यहाँ पे एन पी टैग को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे और इस पैराग्राफ के अंदर आपको क्या करना है, टेक्स्ट को जो है ना जस्टिफाई कर देना है, टेक्स्ट अलाइन, और इसमें हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे जस्टिफाई, सेव। और देखिए यहाँ पर टेक्स्ट जो है हमारा जस्टिफाई हो चुका है और थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग भी ऐड कर देंगे हम। तो यहाँ पर एच फोर में मैं क्या करता हूँ, पहले शुरू जो है मार्जिन जो है इसमें ऐड कर देता हूँ टॉप और बॉटम से 2 की, और फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसका फॉन्ट साइज, और इसको 1.3 रैम ठीक रहेगा, कुछ 20-25 पिक्सल के पास में, ये तो काफी छोटा हो जाएगा, 2 रैम कर देते, ठीक है 32 पिक्सल के करीब। अब ठीक है, कुछ ज्यादा डिफरेंस तो इसमें नजर नहीं आ रहा है, ठीक है इसको रहने देते हैं ऐसी। और पैडिंग ऐड कर देंगे थोड़ी सी, डायरेक्ट बॉक्स में हम जो है पैडिंग अप्लाई कर देंगे 2 की, तो कुछ इस तरीके से जो है इनर मार्जिन भी हमको मिल जाएगा और 2 ठीक है, अगर आपको और इसमें जो है देना है तो आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से अबाउट सेक्शन हमारा दिख रहा है, एक बार मोबाइल डिवाइस पे भी चेक कर लेंगे, यहाँ से मैं इसको मोबाइल में कन्वर्ट कर देता हूँ और मोबाइल में कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। और टॉप से मार्जिन आ रहा है ना, ये जो टॉप से मार्जिन आ रहा है इसको हम रिमूव कर देंगे, तो ज़्यादा क्लासेस नहीं है इसमें, हम डायरेक्टली क्या करेंगे मीडिया क्यूरी को जो है टारगेट कर लेंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है एट द रेट मीडिया फिर पैरेंथिसिस और इसके अंदर हम क्या करेंगे डिवाइस को टारगेट करेंगे। सो यहाँ पे मैक्स विड्थ 600 पिक्सल, इसके नीचे जो भी डिवाइस रहेंगे उसको हम यहाँ पर टारगेट कर लेंगे, जो मार्जिन टॉप था उसको हम 0 कर देंगे, सेव। चेक कर लेते हैं एक बार, तो देखिए अब ये बराबर मोबाइल डिवाइस पे भी आ रहा है, चेक कर सकते हैं आप, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो परफेक्टली यहाँ पर शो कर रहा है। आप चाहे तो इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं, देखिए वेलकम टू माई रेस्टोरेंट, अगर आपको इसको भी टारगेट करना है तो आप कर सकते हैं। डायरेक्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर इसके अंदर एंड एच फोर और इसके अंदर फॉन्ट साइज को टारगेट कर लेंगे, फॉन्ट साइज, और इसको कर देंगे 1 रैम, 1 रैम ठीक रहेगा, सेफ, काफी छोटा है, इसको कर देते हैं 1.3, 1.5 कर देता हूँ मैं, अब ठीक ठाक लग रहा है। देखिए वेलकम टू माई रेस्टोरेंट, उसके बाद में कुछ भी टेक्स्ट रहेंगे, अबाउट सेक्शन क्या है कि जो भी वेबसाइट है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर होती है। तो परफेक्टली हमारा अबाउट सेक्शन जो है क्रिएट हो चुका है, अब हम क्या करेंगे कॉन्टैक्ट पर काम कर लेंगे। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में कॉन्टैक्ट पेज, और इसमें हम क्या करेंगे अगेन बॉक्स को ऐड कर देंगे। सो आपको यहाँ पर बॉक्स को ऐड कर देना है और इस बॉक्स को इंपोर्ट भी करेंगे, एक्स को कट करके कंट्रोल स्पेस सजेशन शो करेगा, उस पर क्लिक करिए तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। और इस बॉक्स के अंदर हम एक टाइपोग्राफी ऐड कर देंगे, पहले तो हेडिंग ऐड कर देंगे, तो टाइपोग्राफी की मदद से हम एक और हेडिंग यहाँ पर क्रिएट करेंगे टाइपोग्राफी, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट माई रेस्टोरेंट, और एक पैराग्राफ इसमें भी हम ऐड कर देंगे, सो पी टैग, और यहाँ पर लॉरम 30 आई थिंक ठीक रहेगा, ज्यादा भी हमको इसमें ऐड नहीं करना, सेव। चेक कर लेते हैं पहले कैसे दिख रहा है, चलते हैं कॉन्टैक्ट पेज में, तो देखिए कुछ इस तरीके से अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो पहले थोड़ा सा इसको डिजाइन कर लेंगे, तो यहाँ पर बॉक्स पे कुछ क्लासेस अप्लाई कर देंगे हम एसएक्स, और इसको दे देंगे टॉप और बॉटम से मार्जिन 10 कर देता हूँ मैं, टॉप बॉटम से मार्जिन मिल चुका है, और इसका वेरिएंट सेट कर देंगे पहले टाइपोग्राफी में वेरिएंट एच फोर कर देते हैं इसको भी, और कुछ ठीक ठाक लग रहा है, और लेफ्ट से थोड़ा मार्जिन में ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट ML, ML भी 10 कर देता हूँ, और इसके बाद में एच फोर को भी टारगेट करके देख लेंगे एंड एच फोर, फॉन्ट वेट को जो है बोल्ड कर देंगे यहाँ पर फॉन्ट वेट ऑफ बोल्ड, और साथ ही में जो है मार्जिन दे देता हूँ मैं बॉटम से 2 का आई थिंक ठीक रहेगा, सेव कर लेते हैं इसको, चेक करते हैं एक बार, ठीक ठाक है, देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। और इसके बाद में कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए हम जो है एक टेबल ऐड कर देंगे, तो चलिए पहले टेबल ऐड कर देते हैं और फिर उसके बाद में अगर डिजाइनिंग करना रहा तो देखते हैं इसको, और इसको एक बॉक्स से जो हम रैप कर लेंगे पहले, एक और यानी कंटेनर हम क्रिएट कर रहे हैं बॉक्स, और इसके अंदर हम टेबल यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है टेबल कंटेनर। अब टेबल कंटेनर क्या करेंगे, ये टेबल को कंटेन करेगा, इसके अंदर हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद में इस कंपोनेंट का आप टाइप बता सकते हैं, तो कंपोनेंट के टाइप हमको मिलते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेपर, और पेपर भी यहाँ पर हमको मटेरियल यूआई की तरफ से मिलता है, तो कंट्रोल स्पेस करें और इसको भी इंपोर्ट करें मटेरियल यूआई में से, और इसके बाद में हम क्या करेंगे टेबल का यूज करेंगे, सो टेबल इसको भी आपको इंपोर्ट करना है मटेरियल यूआई में से, और इसमें एरिया लेबल हम ऐड कर देंगे और इसको कर देंगे कॉन्टेक्ट टेबल, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पहले ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, और इस टेबल के अंदर सबसे पहले टेबल हेडर, सो टेबल हेड इसको इंपोर्ट भी करें, और इस हेड के अंदर हमको क्या करना है
डिफाइन करना है कि क्या क्या चीजें हमको चाहिए। सबसे पहले एक टेबल रो क्रिएट करें, टेबल रो इसको भी इंपोर्ट करें, और इस टेबल रो के अंदर हम क्या करें, अच्छा ये इंपोर्ट नहीं हुआ, इसको डबल से इंपोर्ट करें, कंट्रोल स्पेस, अब ये इंपोर्ट हो चुका है। इसके अंदर हम टेबल सेल क्रिएट करेंगे, सेल के अंदर हम हमारा डिटेल्स रख सकते हैं कि क्या कंटेन करेंगे ये, तो यहाँ पर आपको टेबल सेल को भी इंपोर्ट करना है। और इस टेबल सेल के अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स से एक हेडिंग ऐड कर देंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव कर लेते हैं और एक बार चेक करेंगे कैसा दिख रहा है। तो टेबल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसको डिजाइन भी करेंगे बाद में, अभी तो फिलहाल पूरा ये चिपक कर आ रहा है, तो चलिए पहले क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद में डिजाइन कर लेंगे। टेबल हेड हमारा कंप्लीट हो चुका है, टेबल बॉडी क्रिएट कर लेंगे, टेबल बॉडी, सो मेक श्योर टी जो है कैपिटल में है, टेबल बॉडी, और इसको भी इंपोर्ट कर लें। टेबल बॉडी के अंदर भी हमको टेबल रो क्रिएट करना है, सो टेबल रो, और इसके अंदर टेबल सेल, कितने हमको सेल चाहिए तो वो यहाँ पर हमको ऐड करना पड़ेगा, टेबल सेल, और फर्स्ट वाला रहेगा फोन के लिए, सो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ फोन, या फिर इसके बदले हम आइकन भी यूज कर सकते हैं, तो आइकन ट्राई कर लेंगे एक बार। चलते हैं MUI पर, सो यहाँ पे आपको सर्च करना है मटेरियल UI, और इसके डॉक्यूमेंटेशन में से हम क्या करेंगे, फोन, ईमेल और एक कोई हेल्पलाइन के लिए जहाँ आइकन को जो है कॉपी कर लेंगे, यहाँ से आप आइकन को सर्च कर लें मटेरियल आइकॉन्स, और फर्स्ट वाला जो हेल्पलाइन के लिए कर देंगे, तो यहाँ पे मैं कुछ देखता हूँ जैसे कि सपोर्ट करके चेक कर लेता हूँ सपोर्ट, और देखिए यहाँ पे सपोर्ट एजेंट है, तो इसका कॉपी कर लेंगे हम आइकॉन, और टॉप पे इंपोर्ट कर देना है आपको, तो यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, अब इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस टेबल सेल में, इसको ऐड कर देंगे सपोर्ट एजेंट आइकॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग, इसके बाद में यहाँ पर हम कोई भी नंबर ऐड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, स्पेस देके मैं क्या करता हूँ पैरेंथेसिस में लिख लेता हूँ टोल फ्री, सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, और इसमें हमको स्टाइलिंग करना पड़ेगा, तो इस आइकॉन को पहले कलर दे देते हैं हम, उसके बाद में जो है बाकी दूसरे जो मेन कंटेनर है उस पर हम काम करेंगे। सो SX, और SX के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है यहाँ पर कलर को ऐड कर देना है, कलर हम इसका कर देंगे रेड कर देते हैं, और पैडिंग दे देंगे थोड़ी सी, P1 कर देता हूँ मैं, यहाँ पर टॉप से दे देंगे हम सिर्फ पैडिंग थोड़ा सा, क्योंकि आइकन थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा है ना, इसको जो है मैं पैडिंग टॉप से दे देता हूँ, सेव, चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो देखिए रेड कलर का आइकॉन है, और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फोन के लिए और ईमेल के लिए भी ऐड कर देंगे, तो पहले हम आइकन सर्च कर लेते हैं, यहाँ से आपको क्या करना है, ईमेल के लिए सर्च कर लेना है, ईमेल देखिए यहाँ पर आ रहा है मेल के लिए ऑप्शन, इस पर क्लिक करें, कॉपी कर लें इसको, और टॉप पे इसको इंपोर्ट कर लें पहले, और इसका हम यूज़ करेंगे। चलते हैं नीचे, और इस टेबल सेल को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, आइकन चेंज कर लेंगे हम, इस आइकन के बदले हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है मेल, मेल आइकॉन, और इसका कलर चेंज कर देंगे हम, इसका कर देंगे स्काई ब्लू, और यहाँ पर ईमेल में कोई भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि help@myrest.com, सेव, और टॉल फ्री कट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं इसको, चेक कर लेंगे, तो कुछ इस तरीके से ये आ रहा है, और इसको न्यू रो में ले लेंगे हम, वरना ये साइड बाय साइड आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ पहले इसमें से कट, और एक न्यू टेबल रो क्रिएट कर लेंगे, टेबल रो, और इसके अंदर पेस्ट कर लेंगे, सेव, अब जो है एक के नीचे एक दिखाई देगा, देखिए कुछ इस तरीके से फोन हो गया, ईमेल हो गया, और एक एडिशनल फोन नंबर हम ऐड कर देंगे। तो आइकन पहले सर्च कर लेते हैं फोन के लिए, या फिर कॉल के लिए चेक करते हैं, कॉल, देखिए यहाँ पे कॉल है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं पेस्ट, और एक टेबल रो को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे नीचे पेस्ट, आइकन का नाम चेंज कर लेंगे, इसका नाम है कॉल आइकॉन, और इसका कलर हम ग्रीन कर देंगे, और यहाँ पर नंबर हमको ऐड करना है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और यहाँ पर ये फोन के लिए है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1800 वाला कोई भी कर देंगे जो कि इंडिया में यूज होता है टोल फ्री के लिए, सेफ, कॉल के लिए कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब थोड़ा सा इसको डिजाइन कर लेते हैं पहले, तो टेबल जो हेडर है उसमें हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है थोड़ा सा काम कर लेंगे, जैसे कि एक टेबल कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए है, तो इसमें क्या करेंगे, कुछ स्टाइलिंग हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, सो PG कलर, इसको कर देंगे ब्लैक, और इसके अंदर का जो कलर रहेगा उसको कर देंगे हम व्हाइट, आप टेक्स्ट सेंटर भी कर सकते हैं, या फिर अलाइन का भी हमको एट्रीब्यूट मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है मटेरियल UI में, चेक कर लेते हैं, सजेशन में शो करता है यानी अलाइन लिख के कंट्रोल स्पेस, तो देखिए है बिल्कुल अवेलेबल है, तो इसको हम कर देंगे सेंटर, सेव, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो कर रहा है। टेबल की हमको हाइट और विड्थ भी जो है सेट करना पड़ेगी, तभी जो है ये अच्छे से दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमने बॉक्स दिया था ना इसको टारगेट कर लेंगे, सो इनलाइन स्टाइल ही हम देख रहे हैं बॉक्स, और इसके अंदर मार्जिन दे देंगे हम, मार्जिन 3 का ठीक रहेगा, सेव करके चेक करते हैं एक बार, तो हमको जो है 3 का मार्जिन जो है चारों तरफ से मिल रहा है, और अब ठीक ठाक लग रहा है हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर्म, और इसको थोड़ा सा छोटा भी करके चेक कर लेते हैं, और इसका साइज जो है थोड़ा सा कम कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको इसकी विड्थ को जो है सेट करना है, विड्थ, और विड्थ
600 पिक्सल ठीक रहेगा, ज़्यादा भी बड़ा हमको नहीं चाहिए, 600 पिक्सल करके देख लेते हैं सेव। इसको लेफ़्ट से भी हम मार्जिन दे सकते हैं, तो मार्जिन लेफ्ट ml से हम इसको कर देंगे 10 सेव। तो देखिए ये बराबर से अलाइन हो चुका है और ठीक ठाक लग रहा है। और इसको मोबाइल पे एक बार चेक कर लेंगे, इंस्पेक्ट मोबाइल व्यू, और मोबाइल में इसका साइज़ काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो मीडिया क्यूरी में हम इसको टारगेट कर लेंगे, इसी के अंदर मैं टारगेट कर लेता हूँ @media, और यहाँ पर मैक्स विड्थ ऑफ 600 पिक्सल इसके अंदर हमको जो टारगेट करना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जो विड्थ है इसको जो है 300 पिक्सल ठीक रहेगा, इसका हाफ कर लेंगे। सेव कर लेते हैं, चेक करते हैं, तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर बराबर से शो हो रहा है, कॉन्टैक्ट माई रेस्टोरेंट, और ये कुछ डिटेल्स हमारे पास आ रही है। और भी इसमें अगर आपको चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं। ये मार्जिन 10 किया था ना, इसको हम जो है 5 कर लेंगे सेव। तो देखिए मोबाइल पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हमारे मेन डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ठीक ठाक लग रहा है, आप अपने हिसाब से भी इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सो अबाउट पेज हो गया हमारा, इसके बाद में कॉन्टैक्ट पेज भी बन चुका है। अब हमको जो है मेन्यू पर काम करना है। मेन्यू कंपोनेंट पे काम करने से पहले हम क्या करेंगे, एक डेटा की फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें हम सारा का सारा डेटा रखेंगे। यानी मेन्यू लिस्ट में हमको जो भी यहाँ पर फूड चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डेटा की फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन टाइटल और प्राइस हम ऐड कर देंगे, और उस फाइल को जो है मेन्यू कंपोनेंट में मैप की मदद से जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए आप क्या करें, src के अंदर जो है एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें, और इसका नाम आप रख सकते हैं डेटा, क्योंकि इसमें हमारे पास डमी डेटा रहेगा, यानी एक डेटा की फाइल हम इसमें क्रिएट करेंगे। और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं डेटा ही रख लेता हूँ, data.js। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इमेजेस है उसको इम्पोर्ट करेंगे, और एक एरे बना देंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हम जो है सभी डिशेज की जो है डिटेल रखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे इमेजेस को जो है इंपोर्ट कर लें। ये इमेजेस जो है आपको गिटहब पर से मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इमेजेस को। और यहाँ पर आपको वन बाय वन सभी को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इमेजेस का फोल्डर है और इसके अंदर इमेजेस है, तो इनका आप यूज कर सकते हैं। तो इम्पोर्ट, और इसका नाम हम रख लेंगे फर्स्ट इज डोसा फ्रॉम ./ इमेजेस का फोल्डर, और उसके अंदर से डोसे की फाइल। इसी तरीके से सभी को आपको ऐड कर देना है। मैं क्या करता हूँ, फटाक से जो है सभी फाइल को जो है ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है सारी इमेजेस को ऐड कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ 6 इमेजेस मैंने ऐड किए, आप चाहें तो ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ हम 6 ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे, और साथ ही में इसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रख देंगे मेन्यू लिस्ट, और ये रहेगा एरे, एरे के अंदर हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास नेम रहेगा। तो जो भी डिशेस है आपके पास सभी का नाम आप ऐड कर सकते हैं, वन बाय वन आपको सभी को जो है ऐड करना है। उसके बाद में इसका डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर मैं लॉरम इप्सम का यूज कर लूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉरम, और 10 लिख के यहाँ पर टैब प्रेस करूंगा, तो देखिए डमी टेक्स्ट जनरेट हो चुका है। अब इसको जो है स्ट्रिंग के अंदर आपको ऐड कर देना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगल कोटेशन ऐड कर देंगे, जितना भी टेक्स्ट है ना इसको सिंगल कोटेशन में ऐड कर देंगे, कॉमा, कॉमा के बाद में यहाँ पर हम इमेज को ऐड कर देंगे, और इमेज के अंदर जो है आपको उसकी इमेज ऐड करना है। तो देखिए टॉप पे हमने सभी की इमेजेस को जो है ऐड करके रखा है, तो आपको सिंपली इसको टारगेट करना है। तो यहाँ पे इमेज का टाइप रहेगा, तो जो भी फूड है उससे रिलेटेड हमने टॉप पर जो भी इमेजेस इंपोर्ट की है तो वो आपको ऐड कर देना है। इसी तरीके से जो है यहाँ पर इसका प्राइस भी हम सेट कर सकते हैं, प्राइस, और इसको कर देंगे 200, और इसी को जो है मल्टीपल टाइम हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और कॉमा भूल चुके हम, तो कॉमा लगा दें। सबके बाद में जहाँ पर ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है ना वहाँ पे हमको कॉमा भी ऐड करना है, और इन डिशेस का नाम आप चेंज कर लें, और उसकी इमेज को भी आपको चेंज कर देना है। सो यहाँ पे मैं इमेज भी चेंज कर देता हूँ, तो नेम के अकॉर्डिंग मैं इमेज भी चेंज कर रहा हूँ, और प्राइस आप कुछ भी रख सकते हैं, और सभी ऑब्जेक्ट को हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपने इम्पोर्ट किया है मेक श्योर उसी तरीके से जो है इसको अरेंज करें। तो यहाँ पर जो है मैंने सभी में चेंजेस कर दिए, देख सकते हैं हर ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने जो है उसकी इमेज से रिलेटेड यहाँ पर टेक्स्ट जो है ऐड कर दिया, उसका नेम, और डिस्क्रिप्शन में मैंने सिर्फ लॉरम इप्सम यानी डमी टेक्स्ट जो है ऐड करके रखा है, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, सिर्फ इसको जो है मेन्यू लिस्ट कंपोनेंट के अंदर जो है मैप कराना है, और हमारा जो है कंपोनेंट मेन्यू लिस्ट का जो है रेडी हो जाएगा। तो फिलहाल देख सकते हैं आप हमारा मेन्यू का जो पेज है वो एम्प्टी है। अब यहाँ पे हम जो है कार्ड की मदद से जो है हमारे मेन्यू को यहाँ पर हम शो कराएंगे। चलते हैं वापस, ये रहा हमारा मेन्यू पेज। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले जो एक बॉक्स को ऐड कर देंगे, कंटेनर के लिए हम क्या कर रहे हैं बॉक्स का यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो डिव का भी यूज कर सकते हैं। इसको इंपोर्ट भी कर दें, एक्स को कट करें, कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन शो कर रहा है इंपोर्ट फ्रॉम MUI/material, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा।
अगर आपके केस में नहीं होता है तो आप मैन्युअली जो है इसको इम्पोर्ट करें। एक बॉक्स हमने ऐड कर दिया, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेन्यू लिस्ट को जो है मैप कराएंगे, यानी कि ये जो डेटा है इसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है, देखिए मेन्यू लिस्ट, और ये नेम एक्सपोर्ट है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है, तो इसको जो है आपको कुछ इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा। पहले इम्पोर्ट कर लें आप, इम्पोर्ट कर्ली ब्रेसिस फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश डेटा, डेटा के अंदर हमारे पास डेटा की फाइल है। अब इसमें से हमको चाहिए मेन्यू लिस्ट, कुछ इस तरीके से हमको इम्पोर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, सो मेन्यू लिस्ट डॉट मैप, मैप मेथड की मदद से हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके अंदर हमको क्या मिलेगा, सिंगल मेन्यू मिलेगा, तो उसको हम एक्सेस करेंगे, सो मेन्यू, और इसको लोअर केस में कर देता हूँ मैं, वरना वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा मटेरियल यूआई के मेन्यू के साथ में। तो यहाँ पर ये हमको सिंगल मेन्यू देगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली जो है रिटर्न करेंगे एरो फंक्शन और पैरेंथेसिस, इसका मतलब क्या है कि हम डायरेक्टली इसको जो है रिटर्न करा रहे हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कार्ड ले लेंगे, सो यहाँ पे आपको कार्ड को इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा, सो कार्ड कंट्रोल स्पेस करें, सजेशन शो करेंगे, देखिए एम यू आई में से ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इम्पोर्ट भी हो जाएगा। क्लोज कर देंगे इसको, तो देखिए कार्ड आ चुका है, और इस कार्ड के अंदर हम क्या करेंगे, कंटेंट को जो है डिस्प्ले कराएंगे। इसके अंदर मैं सबसे पहले जो कार्ड एक्शन को ऐड कर देता हूँ। कार्ड एक्शन क्या करेंगे, क्लिकेबल फंक्शनैलिटी हमको इसके अंदर मिलती है, तो इसका जैसे आउटपुट आएगा आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और यहाँ पर हमको क्या करना है, इसके बाद में जो है इमेज को जो है शो कराना है, सो पहले इमेजेस को हम शो करा देंगे, सो यहाँ पर कार्ड मीडिया सेल्फ क्लोजिंग टैग रहेगा ये, इसको इम्पोर्ट भी करें, देखिए यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो सब कुछ इम्पोर्ट हो रहा है। और इस कार्ड मीडिया में हमको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है हमारे मेन्यू लिस्ट को, और मेन्यू लिस्ट का हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर देखिए हमारे पास एक इमेज का ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने इमेज का पाथ जो है ऐड किया है, तो इसको हम यहाँ पर जो है बता देंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसका जो है साइज सेट कर देंगे, सो SX कस्टम स्टाइलिंग हम देख रहे हैं, और इसकी मिनिमम हम यहाँ पर जो है हाइट सेट कर देंगे 400, और मिनिमम विड्थ भी आप सेट कर सकते हैं, मैं सिर्फ हाइट सेट करूंगा ताकि सारे इमेजेस का साइज जो है एक जैसा रहे। और इसका कंपोनेंट आपको बताना पड़ता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंपोनेंट कि ये जो कार्ड मीडिया है वो कौन से कंपोनेंट का काम करेगा, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ इमेज, इमेज टैग की तरह ये काम करेगा, और इसको मिनिमाइज करते हैं थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके बाद में सोर्स ऐड कर देंगे SRC, और यहाँ पर आपको लिखना है मेन्यू, मेन्यू का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमको मिला है मैप मेथड की मदद से, और इसके अंदर हमारे पास है इमेज, और ऑल्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे वरना वार्निंग शो करता है। तो मेन्यू के अंदर जो नेम है अपने पास मेन्यू डॉट नेम, तो एज अ अल्टरनेट यहाँ पर इमेज का टेक्स्ट हम शो कराएंगे, सेव कर लेते हैं और एक बार टेस्ट कर लेंगे कि ये दिखता है या नहीं। तो देखिए सारे इमेजेस हमारे पास आ रहे, साइज काफी ज्यादा, इसको फिक्स कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सारी चीजें जो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद में डिजाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इमेजेस आ चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, कार्ड बॉडी जो है क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए हमको यूज करना पड़ता है यहाँ पर कार्ड कंटेंट, इसको भी इंपोर्ट कर लें, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कार्ड में जो भी कंटेंट हमको शो कराना है तो उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम टाइपोग्राफी ले लेंगे, टाइपोग्राफी इस पर क्लिक करें, ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेम को शो करा देंगे, सो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, मेन्यू को टारगेट करेंगे मेन्यू डॉट नेम, और टाइपोग्राफी में आपको क्या करना है, इसका वेरिएंट यहाँ पर बताना पड़ेगा वरना वो काफी स्मॉल में शो करेगा, सो वेरिएंट आप ऐड कर दें, और इसको हम कर देंगे H5, और थोड़ा सा गटर साइज भी हम दे देंगे, सो यहाँ पे आपको लिखना है गटर बॉटम, बॉटम से थोड़ा सा गटर हमको मिल जाएगा, स्पेस मिलेगा, और इसको जो है एज अ डिव हम टारगेट कर लेंगे, सो कंपोनेंट एज अ डिव हमको यहाँ पर काम करना है, सो हमने कंपोनेंट के अंदर डिव बता दिया, सेव कर लेते हैं और एक बार चेक करेंगे कैसा दिखता है। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहाँ पर टाइटल बराबर से शो हो रहा है, और अगर आप नोटिस करेंगे कार्ड एक्शन के अंदर हमने इसको लिया है तो कुछ इस तरीके से रिपल इफेक्ट हमको देखने मिलेगा। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन भी हम ऐड कर देंगे, सो अगेन मैं क्या करता हूँ यहाँ पर टाइपोग्राफी को ऐड कर लूंगा, टाइपोग्राफी स्क्रोल अप कर देते हैं थोड़ा सा, और इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर टारगेट करना है डिस्क्रिप्शन को, सो मेन्यू डॉट डिस्क्रिप्शन, और टाइपोग्राफी का वेरिएंट भी हम यहाँ पर सेट कर देंगे, सो आपको लिखना है यहाँ पर वेरिएंट, और इसको एज अ बॉडी टू हम यूज कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको, और इसका थोड़ा सा कलर जो है ना लाइट कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। पहले चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है, और ठीक ठाक लग रहा है वैसे, रहने देते हैं इसको। और इसका साइज जो है चेंज कर लेंगे, काफी बड़ा जो है साइज आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे कार्ड को जो है यहाँ पर विड्थ दे देंगे, सो SX, और यहाँ पर मैक्स विड्थ हम सेट कर लेंगे, मैक्स विड्थ ऑफ 390 पिक्सल ठीक रहेगा, चेक कर लेते हैं एक बार 390 पिक्सल करके, तो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमारा फ्लेक्स का डायरेक्शन कॉलम है, तो
हम इसको रो कर लेंगे, अगर डायरेक्टली फ्लेक्स भी लिखेंगे तो ये रो में हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देना, डिस्प्ले फ्लेक्स सेव, ये अप्लाई नहीं हुआ, एक बार स्पेलिंग चेक करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। थोड़ा सा मार्जिन देके देख लेता हूँ, पहले मार्जिन काम करता है या नहीं, तो मार्जिन 2 कर देता हूँ, तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम दोनों जगह से हमको मार्जिन मिलेगा। तो मार्जिन तो बराबर से काम कर रहा है, हम क्या करेंगे, हमारे मेन जो कंटेनर है ना बॉक्स को, इसको हम फ्लेक्स कर देंगे, चलते हैं टॉप पर, और ये जो बॉक्स है इसको हम दे देंगे SX की प्रॉपर्टी, और इसके अंदर जो डिस्प्ले को टारगेट कर लेंगे डिस्प्ले, और इसको कर देंगे फ्लेक्स सेव। तो देखिए अब बराबर से ये आ रहा है, हालांकि यहाँ पर इनका साइजेस जो है मैच नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको रिस्पॉन्सिव बना देंगे। इसके अंदर एक और हमको प्रॉपर्टी मिलती है, अगर आपने फ्लेक्स देखा होगा तो उसमें रैप की जो है हमको एक और क्लास मिलती है, तो उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लेक्स रैप, और इसको हम कर देंगे रैप, तो कंटेंट जो है विड्थ के हिसाब से जो है कंटेंट को रैप करता रहेगा। सेव कर लेते हैं और एक बार टेस्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा, और इनको सेंटर में कर देंगे। ठीक है, सेंटर के लिए क्या करना है, सिंपल जस्टिफाई कर देना है। तो मैं करता हूँ यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट, इसको कर देंगे सेंटर सेव, चेक कर लेते एक बार। तो देखिए बराबर से ये सेंटर में भी आ चुका है, तो परफेक्टली हमारा जो है मेन्यू कंपोनेंट भी क्रिएट हो चुका है। एक बार रिस्पॉन्सिवनेस देख लेंगे इंस्पेक्ट, तो देखिए रिस्पॉन्सिवनेस भी बराबर काम कर रही है, और हम इसको मोबाइल डिवाइस कर लेंगे मोबाइल डिवाइस, और मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप चाहे तो यहाँ पर टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक टाइटल हमको ऐड करने की जरूरत है। परफेक्टली हमारा जो है यहाँ पर मेन्यू पेज भी जो है क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस आइकन को भी चेंज कर देंगे, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा लोगो का यूज करूंगा, और ये फाइल आपको जो है यहाँ पर इमेजेस के अंदर मिल जाएंगी। देखिए लोगो डॉट svg, ये svg का आइकॉन है, इसको हम क्या करेंगे हेडर की फाइल में ऐड कर देंगे। तो जहां पर हमने अभी फिलहाल आइकन और टेक्स्ट यूज किया था ना, उसके बदले हम इसका यूज करेंगे। सो देखिए यहाँ पे है टाइपोग्राफी के अंदर हमारे पास है आइकॉन और फिर टेक्स्ट है, तो इसको रिमूव कर देते हैं, इसके बदले इमेज टैग ले लेंगे img टैग, और सोर्स के अंदर आपको क्या करना है लोगो का पाथ देना है। तो पहले लोगो को भी ऊपर इम्पोर्ट कर देंगे, और यहाँ पर MUI के बाद में इम्पोर्ट कर देता हूँ मैं, इम्पोर्ट लोगो फ्रॉम ././ इमेजेस का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है logo.svg की फाइल। अब सोर्स में क्या करेंगे, हम इमेज का पाथ यहाँ पर दे देंगे, इसको कट करके यहाँ पर लोगो का जो हमने अभी ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको यहाँ पर दे देंगे। अल्ट में लोगो, हाइट भी इसकी सेट कर देंगे, आपको लिखना है यहाँ पर हाइट, और हाइट हम कर देंगे 70 पिक्सल, और इसकी विड्थ भी यहाँ पर सेट कर देंगे। सो आपको लिखना है यहाँ पर विड्थ, और विड्थ को 250 पिक्सल इनफ रहेगा। सेव कर लेते हैं और एक बार टेस्ट कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास ये लोगो आएगा, और रिस्पॉन्सिव पर भी एक बार चेक कर लेंगे, मोबाइल यू करता हूँ, और यहाँ पर हमारा हैमबर्गर मेन्यू, तो इसमें कुछ इस तरीके से माय रेस्टोरेंट का हमको लोगो अलग से देखने मिलेगा। तो इसको भी चेंज कर देते हैं, चलिए फटाक से इतना कर लेते हैं हम, इसी को क्या करें कॉपी कर ले, और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमने ऊपर डिफाइन किया था ना, देखिए यहाँ पर अगेन एक टाइपोग्राफी है, इसको कट कर लेंगे, इसके अंदर पेस्ट कर लेंगे, और इसका जो है साइज कम कर देंगे, इसको 200 पिक्सल कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ड्रॉअर का साइज कम है, इसलिए हम इसको 200 पिक्सल कर देंगे सेफ। और लिंटर का जो है वार्निंग भी शो कर रहा है, क्योंकि अब ये आइकॉन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका इंपोर्ट हम रिमूव कर देंगे सेफ। चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन का आइकन शो करेगा, जो कि ठीक ठाक लग रहा है। अब थोड़ा सा हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस नेविगेशन मेन्यू पर भी जो है एक्टिविटी क्लास अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जब भी इस पर क्लिक हो कौन सा पेज एक्टिव है ये हम शो करा सकते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव नेविगेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हेडर में लिंक्स है उसको हम नैव लिंक से रिप्लेस कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नैव लिंक को इम्पोर्ट कर देना है, यहाँ पे हम नैव लिंक को रिएक्ट राउटर डॉम में से इम्पोर्ट कर रहे हैं, और इसके बाद में जहाँ पर हमने लिंक्स यूज किए थे ना उसके बदले हम क्या करेंगे, इसको नैव लिंक कर देंगे। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, तो सारे लिंक जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे, इसको कट कर लेंगे, और यहाँ पर हम यूज करेंगे नैव लिंक। इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्टिव की क्लास जो है अप्लाई करना है। सो यहाँ पर एक्टिव क्लास नेम इसका हमको यूज करना है, और इसके अंदर हम एक एक्टिव की क्लास जो है क्रिएट करेंगे, तो सभी पर आपको जो है ये चीज अप्लाई कर देना है, या फिर एक पर भी कर देंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेव कर लें इसको, और हेडर स्टाइल में आइए, यहाँ पे हम क्या करेंगे एक्टिव की क्लास बना देंगे एक्टिव, और इसके अंदर आपको कलर चेंज कर देना है कलर, और इसमें हम कर देंगे गोल्डन रॉड, और इसको इम्पोर्टेंट करना है, अगर इम्पोर्टेंट नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। फॉन्ट वेट भी हम क्या करेंगे इसमें बोल्ड कर देंगे, फॉन्ट वेट ऑफ बोल्ड, अगेन
इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पर ऐड करना है। सेव, तो देखिए यहाँ पर एक्टिव की क्लास जो है अप्लाई हो चुकी है। इसी तरीके से मेन्यू पर क्लिक करूंगा तो देखिए मेन्यू की क्लास अभी एक्टिव है। फिर अबाउट पे करूंगा तो अबाउट जो है एक्टिव हो रहा है। कॉन्टैक्ट पर करूंगा तो कॉन्टैक्ट भी एक्टिव हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है नेविगेशन मेन्यू पर एक्टिव की क्लास जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको मोबाइल डिजाइन में भी करना है तो आप क्या करें, मोबाइल डिजाइन का लिंक भी चेंज कर लें। जैसे कि यहाँ पर लिंक है ना ऊपर, इसको आपको सेलेक्ट करना है कंट्रोल डी, और इसको भी हम नैब लिंक कर देंगे, नैब लिंक। और यहाँ पर एक्टिव क्लास नेम, और इसमें आपको एक्टिव ऐड कर देना है। सेव, और ऊपर से हम क्या करेंगे, इस लिंक को रिमूव कर लेंगे, अब इसकी जरूरत हमको नहीं है। सेव, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और रिस्पॉन्सिवनेस पर एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, मोबाइल सेलेक्ट करना है, और अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो देखिए मोबाइल में भी यहाँ पर लिंक एक्टिव हो जाएंगी। तो सक्सेसफुली हमने सारा का सारा एप्लीकेशन जो है क्रिएट कर लिया है। इसके लिंक जो है आपको गिटहब पर मिल जाएंगी, सो मेक श्योर आप सोर्स कोड को कंपेयर करें कोई भी आपको अगर दिक्कत आती है तो। बस यही था इस वीडियो में, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ कोई और प्रोजेक्ट के साथ अगले वीडियो में।